हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बायो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? बोलो बोलो, कैसा लगा आपको ये मेरा नामकरण आपके लिए? बायो चैंप्स, बायो चैंपियंस, यानी आप सब बायो चैंप्स हो, चैंपियंस हो, क्योंकि मुझे पता है अगर आप अगर लेक्चर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, नोट्स कर रहे हो, और आगे जो टेस्ट होंगे या फिर लाइव सेशन या क्विजेस या रिविजन्स जो मैंने प्लान किया उसको अगर स्ट्रिक्टली अधेयर करके एंजॉय करते हुए बायोलॉजी पढ़ोगे तो आउट ऑफ मार्क्स लेने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो होता है ना डायलॉग, बोलते हैं कि आपको जीतने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, वैसे मैं बोल रहा हूँ आपको बायो चैंपियंस, आपको बायोलॉजी में आउट ऑफ स्कोर मिलाने से कोई दुनिया की ताकत, कोई एग्जामिनर आईसीएसई बोर्ड का नहीं रोक सकता। बट कंडीशंस अप्लाई, ब्रैकेट में लिख लिया है, सो प्लीज यार सुना करो मेरी बात। चलो बहुत हो गया अभी। आई होप हमारे बायो चैंपियंस रेडी है, हम सेशन नंबर 3 में है, ऑलमोस्ट एंडिंग की तरफ है सेशन के। आज के बाद फोर्थ सेशन जो होगा नेक्स्ट, वो लास्ट सेशन होने वाला है ट्रांसपिरेशन का। सो फोर्थ सेशन में छोटा सा टॉपिक है, फिर भी मैंने 3 की जगह 4 लिया क्योंकि मैंने आपको काफी डिटेल में पोटोमीटर पढ़ाया या शुरू के सेशन, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे का तो क्या है, आपको 8th में भी हुआ है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं आपको पता है, रूट होने के बाद जो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, एक्सटर्नल फैक्टर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, आपको याद है 8th बोर्ड में आपको सब कुछ हुआ है कि टेम्परेचर ज्यादा रहा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ये तो बच्चों वाली चीज है, आपको आती है, तो उस पर हम ज्यादा टाइम दे के क्या करें। मेरा एम होता है कि मैं आपकी जगह सोचूं और सोचूं कि आपको टफ क्या लगेगा, एंटिसिपेट कर लेता हूं मैं कि हाँ, एज्यूम कर लेता हूं कि ये शायद बच्चों को टफ एरिया है, मैं भी बच्चा बन जाता हूं आपके साथ, तो कितना मजा आता है। और आपके लिए इसलिए शायद आपको डाउट्स भी नहीं आते क्योंकि मैं उसी वे में पढ़ाता हूं, बट फिर भी आ रहे हैं तो टेलीग्राम पे पूछना है। चलो अब हाय बोलो हमारे बीनू को। बीनू इज बैक, आपका मोगली जंगल बुक में आपका स्वागत है। और आज इनके चेहरे पे यार ये कंफ्यूजन क्यों है, हमेशा बीनू के तो तेवर बड़े ज्यादा है, आप सबसे भी ज्यादा लग रहे हैं मुझे नखरे, आप करते हो ना नखरे मम्मी पापा के सामने, यही चाहिए मुझे, यही खाना है मुझे, ये ब्ला ब्ला ब्ला, बट हमें ऐसा नहीं करना है, गुड बॉय एंड गुड गर्ल एंड गुड स्टूडेंट्स की तरह रहना है। थोड़ा बहुत मस्ती तो चलता है बॉस, हमने भी की है मस्ती बचपन में, बट अभी तो 10th बोर्ड है तो थोड़ा सीरियसनेस ज्यादा, मस्ती थोड़ा कम, फिर छुट्टियों में फिर से मस्ती ज्यादा। ओके चलो कोई नहीं, एंजॉय करते हुए लाइफ को जीना है। मैंने स्टोरी ऑफ फेट बताया था 11 मिनट्स वाला, मैंने भी उस पढ़ाई के साथ एंजॉय किया, अपने पैशन को फॉलो किया, आप भी करोगे डेफिनेटली। ओके अब ये बीनू क्या देख रहा है, ये क्या है कोई बताए मुझे, ये देखो ये ट्री है कोई, उस पर ये स्पाइक्स है, ये कैक्टस ट्री जैसा लग रहा है मुझे, वो सोच रहे भाई ये ऐसी कैसा लीफ है, मैंने अब तक यहाँ पे भी देखो साइड में ऐसे ऐसे इसको जैसे कांटे होते हैं ना, ऐसा वाला कैक्टस है ये शायद, वो सोच रहा है नेचुरल लीव्स तो ऐसी होती है, अब ये लीव्स में मॉडिफिकेशन क्यों है, व्हाई दिस मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू स्पाइंस, आखिर ये है क्यों। अब तक उसने पोटोमीटर सीखा, आपके साथ उसने क्या नहीं सीखा, बेचारा जंगल में रहता है बट फिर भी उसको बायोलॉजी सिखा रहे हैं, क्योंकि आपको कंपनी देने के लिए कोई तो चाहिए ना, तो हमने उसे ला लिया है, मिस्टर बीन को काट के उसका ब्रेन उसको डिसेक्ट करके सब सीएनएस पढ़ के उसको बेचारे को रीबर्थ लेने को लगाया जस्ट फॉर अस, तो अब तो बनता है ना यार बॉस कि ये है क्या। ओके ये कैक्टस है क्या। ओके तो ये मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, ये जो क्वेश्चन मार्क बीनू के मन में है वो आपके भी होगा या नहीं होगा तो वो तो आगे पता चलेगा सेशन के एंड में, तो हम इसे सॉल्व करेंगे और बीनू का भी कंफ्यूजन सॉल्व हो जाए तो उसके चेहरे पे स्माइल आना जरूरी है, तो मैं समझूंगा कि आपके चेहरे पे भी स्माइल आ गई। ओके सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल जर्नी माय डियर बायो चैंपियंस, लेट्स स्टार्ट। ओके रिवीजन, अब रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है, अमित सर तो रिवीजन के सिवा कोई सेशन शुरू करते नहीं है, तो आपको तो मैं अभी तो बच्चों आप बच गए हो, अभी मेरे सामने नहीं हो, वरना रिवीजन में भी अच्छी क्लास लगा था फेस टू फेस में, पढ़ के आते हो या नहीं, अभी तो क्या कर रहे हो ये तो भगवान ही जाने। एनीवे चलो मुझे बताओ, मैं फेथ रखता हूँ फिर भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो वेरी गुड, वो तो अच्छा रिजल्ट लाएंगे, जो नहीं पढ़ रहे उनको कैसे पढ़ाना है और बायो कैसे करवाना है वो जल्दी आपको समझेगा, डोंट वरी, जल्दी सरप्राइज लाइव सेशन में मिलूंगा, बट डेट्स नहीं पूछना है आपको, इट विल बी अ सरप्राइज सेशन एनी डे, आई डोंट नो
वो हम बाद में डिसाइड करेंगे. ओके, आपको एक दिन पहले पता चलेगा. सो कीप रिवाइजिंग रिवाइजिंग द एनिमल आई मीन ह्यूमन बॉडी, जो थ्री सेशन सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी एंड नर्वस, बार बार इंटीमेशन दे रहा हूँ हर एक सेशन में, और उसके बाद प्लांट का जो पढ़ा. बट पहला लेट सेशन तो सिर्फ एक्सक्लूसिवली ह्यूमन बॉडी पे होगा. आई विल मेक अ क्विज ऑफ क्वेश्चंस ऑफ मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके हाई प्रोबेबिलिटी है 10th बोर्ड में आने की. ओके, सो डोंट वरी, इट विल बी अ सुपर सुपर फैंटास्टिक सेशन. चलो रिवीजन, रिवीजन में क्या क्या करना है हमें. ओके, मैं क्विकली क्वेश्चंस पूछता हूँ. मुझे बताओ पोटोमीटर मेथड क्यों यूज करते हैं, व्हाट इट मेजर्स, पोटोमीटर डिवाइस का यूज क्या है, जल्दी से बताओ. क्या मेजर करता है वो, ट्रांसपिरेशन को डायरेक्टली मेजर करता है क्या? राइट, नो, डायरेक्ट वो पहले वो रेट ऑफ वाटर इनटेक को करता है. वेरी वेरी गुड, जिन्होंने आंसर किया, एक्सीलेंट. रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय अ प्लांट, और इसको हम कोरिलेट कर लेते हैं. देखा ना हमने कैसे वो एयर बबल मूव होता है स्केल पे, और फिर कितने टाइम में, टाइम पीरियड के साथ मैं देखूंगा कि कितना वाटर इनटेक हुआ, कितना बबल, कितने स्केल के, मेजरिंग स्केल जो ग्रेजुएटेड स्केल है उस पर कितना मूवमेंट हुआ. अकॉर्डिंगली मैंने जो ये स्केल पे देखा और ये एयर बबल जहां पे जैसे जैसे मूव हो रहा है उस हिसाब से मैंने उतने टाइम पीरियड पे उसे रिजर्वायर के साथ वाटर के आई मीन ओपन चैनल करके स्टॉप क्लॉक को मैंने एडजस्टमेंट किया, और फिर फाइनली मैंने देखा कि कितना टाइम. बट उसके लिमिटेशंस काफी है जो एग्जाम में पूछते हैं, तो क्या क्या लिमिटेशंस है कौन बताएगा मुझे, कम ऑन फास्ट. एक तो एक इंट्रोड्यूसिंग एयर बबल नॉट ईजी, इट्स अ टीडियस टीडियस टैग, बोलते हैं ना इट्स अ लक वाला गेम. अब आपको तो पता नहीं, आपने देखा नहीं, हमने तो 11th 12th में हमारे लाइक कॉलेज लाइफ में जो इंस्टीट्यूट थी बॉटनी वहां पे देखा हुआ है. सो इट्स ओके, आपको आई डोंट नो, स्कूल पे कभी मौका मिले तो देख लेना. अदरवाइज हमने बहुत अच्छे से, मैंने आपको अच्छे से इंस्ट्रूमेंट के फोटोज बताए, तो आई डोंट थिंक आपको कोई उसमें क्वेरीज होंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम. टेलीग्राम पे स्नेहल सर को डाउट पूछ सकते हो. The twig may not remain alive for long time. Twig may not remain alive. For what? Long time. हाँ जी, अरे भाई प्लांट है वो, इतने लॉन्ग टाइम तक कैसे अलाइव रहेगा. राइट, अरे उसको तो एब्जॉर्प्शन, इसमें तो वो सूख सकता है, विल्टिंग हो सकती है. आर यू गेटिंग. सो इसलिए, एंड सेकंड इज टेम्परेचर. जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट करता है डायरेक्टली किसको, पोजिशन ऑफ एयर बबल. अरे भाई वो एयर बबल का पोजिशन, क्योंकि क्लाइमेट का असर तो होगा ही, तो फिर एयर बबल इधर उधर गया तो मेजरमेंट हम राइट कैसे लेंगे. इट्स अ मेजरिंग मेथड ऑफ ट्रांसपिरेशन, जिससे हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं. आई मीन कितना इक्वल हुआ है रेट ऑफ वाटर इंटेक से, कितना वाटर लॉस्ट हुआ है ट्रांसपिरेशन. थोड़ा बहुत तो फोटोसिंथेसिस में आता है, इट्स नॉट दैट एक्यूरेट, बट एटलीस्ट हम मेजर कर सकते हैं. 2% ही होता है ना फोटोसिंथेसिस में. सो दैट्स द रीजन. सो एग्जैक्ट नहीं करते, दो दे डू नॉट मेजर द एग्जैक्ट वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, बट मेजर द वाटर अपटेक बाय द कट शूट जो हमने यूज किया था. ओके, रिवीजन डन. आई होप मैंने काफी टाइम दिया था सेशन में, सो लेट्स मूव अहेड. और आपके लिए नोट है, प्लीज बी रेडी विथ योर नोटबुक्स. आपको बताना पड़ता है बार 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 बार, बट मेरे प्यारे बच्चे उनको तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो बताए सिवा कोई काम करते ही नहीं है, क्या करे. ओ एनीवेज, प्लीज बी रेडी विथ योर नोटबुक्स, कीप मेकिंग नोट्स, फास्टर फास्टर फास्टर, कम ऑन नेक्स्ट. चलो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हमने मूव ऑन किया था, क्या है वो कौन बताएगा मुझे, फटाफट बताना है मुझे. आई डोंट वॉन्ट ये एकदम बोरिंग से चेहरे, लॉकडाउन में बैठे हो, जाने का मन है मैगडी, या फिर आपका वो क्या बोलते हैं पिज्जा हट, क्या क्या खाते रहते हो यार, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं. एनीवे अपनी अपनी चॉइसेस है, बट ज्यादा नहीं खाना यार, थोड़ा बहुत. मैं तो हेल्दी डाइट फूड खाता हूँ, घर का खाना, माय मोस्ट मोस्ट फेवरेट ग्रीन वेजिटेबल सैलड्स एंड दाल खिचड़ी एंड ऑल दैट जो मम्मा बनाती है मेरी. एनीवेज, काइंड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन में हमने क्या क्या देखा, कौन बताएगा मुझे, फटाफट बता दो यार, ऐसे टाइम पास नहीं करना है हमें. फटाफट, स्टोमेटल, यू रिमेम्बर मैं लिख रहा हूं, आपने ऑलरेडी लिखा है, मैं फटाफट लिख रहा हूं. स्टोमेटल, क्यूटिक्युला, हमने अभी स्टार्ट नहीं किया क्यूटिक्युलर, एंड थर्ड इज लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन. ये तीन टाइप्स है, तो हमने स्टोमेटल स्टार्ट कर दिया था, जस्ट इंट्रोडक्शन. आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा, हमने सिर्फ कुछ स्ट्रक्चर्स देखे वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीव्स में, और बहुत सारी चीजें हमें देखनी है. ओके फाइन, बहुत आसान है. और ये क्यूटिक्युलर लेंटिक्युलर तो बच्चों वाला है, बच्चों वाला. आप बोलोगे सर कितना, और हमें आज एक एक्सपेरिमेंट भी देखना है डाइकॉट लीफ पे, कि वेंट्रल डॉर्सल में कैसे ट्रांसपिरेशन का रेट डिफर होता है, आई मीन कैसे ट्रांसपिरेशन का एक क्वांटिटी डिफर होता है, क्योंकि स्टोमेटा का क्वांटिटी कम ज्यादा होता है, वो हम देखेंगे. ओके फाइन, वेरी वेरी गुड.
सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन. नेक्स्ट हेडिंग दे दो फर्स्ट, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन. ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है मैंने आपको, गार्ड सेल ये सब कुछ बताया जो आपको आई होप इसमें भी हुआ है. किसमें बताओ मुझे जरा, आई होप वो आपको ये क्या हो गया मार्कर. आई थिंक 8th में भी हुआ है, बट फिर भी मैंने डिटेल में आपको गार्ड सेल के स्ट्रक्चर्स देखे थे. याद है आपको स्टोमेटा? याद नहीं तो फिर से बता देता हूँ, डोंट वरी. देखो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इतना आसान है बच्चों वाला है, आप सबको पता है, मैंने सब एक्सप्लेन किया है, बट फिर से. और आपको एक होमवर्क देने का रह गया था, तो आपको ना अब क्या करना है, 5.6 फिगर जो मैंने ऑलरेडी कल एक्सप्लेन की फिर से करूंगा, 5.7 एंड अगेन 5.8 ए एंड बी, ये सब कुछ आपका होमवर्क है. नेक्स्ट सेशन में आपने कंप्लीट करना है, और जो नहीं करेंगे जब मैं फेस टू फेस क्लास में नोटबुक देखूंगा फिर तो भाई आपको भगवान ही बचाए मुझसे, क्योंकि आप मानते नहीं हो टीचर की बातें, तो फिर मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा. मैं आजकल बहुत इसको बार बार रिमाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत होगा एंटरटेनिंग सॉफ्ट वर्जन, इससे रिजल्ट आएगा कि नहीं वो तो वक्त ही, आपके टेस्ट के रिजल्ट देख रहा हूँ मैं, और अब जो होंगे वो देखूंगा मैं, नहीं तो फिर मैं अपना 1000% दे रहा हूँ. तो आप अगर पढ़ नहीं रहे हो, 100% नहीं दे रहे हो, तो फिर कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बायो में रिजल्ट आएगा? आखिर में मेरी हार है ये, और मैं अपने आप को मैंने आज तक हारा हुआ कभी देखा नहीं है. तो अब मैं अपने आप को हारने नहीं दूंगा, तो मुझे आपको जिताना होगा, फिर वो बाय हुक और क्रुक और एनी वे मैं वो करके रहूंगा, डोंट वरी. सो एनी वे तब तक के लिए बेटर है कि आप लाइव सेशंस में एम्बेरस फील ना करो, तो बी रेडी विथ योर स्टडीज ऑफ 3 ह्यूमन बॉडी टॉपिक सेशंस जो हमने खत्म किया, ऑल सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. आई विल बी आस्किंग, आई विल बी फायरिंग यू क्वेश्चंस, सो बी रेडी फॉर दैट. मैंने बहुत बार बोल दिया है ओके, और ये आगे होगा कुछ समय बाद वो लाइव सेशन, मैं नहीं बताऊंगा. अच्छा है जब भी होगा, आपको थोड़ा टाइम है अभी, प्रिपेयर कर लो फटाफट, रोज एक एक घंटा आधा घंटा बायो को दो, रिविजन करो नोट्स एंड टेक्स्ट बुक और गाइड बुक से देखो. कुछ डाउट है तो आप मुझे पिछले भी पूछ सकते हो, जो भी आप पढ़ रहे हो एनी टाइम वेलकम है टेलीग्राम में से आंसर से डाउट्स, और इसके लिए मैं सब कुछ रेडी हूं, बट परफॉर्मेंस आपको देना है. सेल वॉल फटाफट, ये है सेल वॉल बाहर का, अब इसके अंदर ये है गार्ड सेल, इन्हें क्या बोलते हैं हम, गार्ड सेल्स, पेयर ऑफ गार्ड सेल राइट, ये वाले. अब इसके आजू बाजू में इपिडर्मल सेल्स होती है राइट, फिर इसमें स्टोमेटल ओपनिंग है, ये ओपनिंग यानी इसमें वाटर गया, इनहिबिशन, सो मेनी थिंग हम देखेंगे आगे कैसे स्टोमेटा ओपन होता है ड्यूरिंग डे टाइम, उसमें कैसे एक्सचेंज होता है ओके. फिर हम कट सेक्शन एक पूरा लीव्स का भी देखा है हमने, कल हम फिर से देखेंगे, फिर ये हमें वाटर का जो मूवमेंट होता है वो आपको समझेगा, नहीं तो वाटर मूवमेंट नहीं समझा तो फिर आगे का कैसे समझेगा, आर यू गेटिंग, सो वो समझना भी काफी जरूरी है. बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है आपको राइट, स्टोमेटा में और क्या क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, देन देयर आर पोटेशियम आयंस, पोटेशियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टोमेटल क्लियर. आपको ऐसा एमसीक्यू भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपीरेशन, लिख लो अपने नोटबुक में, मैग्नेशियम पोटेशियम कैल्शियम फॉस्फरस. अब आप बोलोगे सर हमने आपने बताया था, फिर भी आप भूल जाते हो, पोटेशियम स्टोमेटा, देखो इसको याद कैसे करना है आपको. और एक ट्रिक बता दूं यहीं पे, पोटेशियम स्टोमेटा टी 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 कितना प्रोमिनेंट है, फॉस्फरस कैल्शियम मैग्नीशियम में टी है क्या इतना, नहीं, पुटा स्टोमेटा टा 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 टा, कोई सॉन्ग नहीं है ये, बट ऐसे भी याद रख सकते हो राइट, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है लिख लो वहां पे टा 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 पेंसिल से. क्या करें, मुझे हर एक के एवरेज स्टूडेंट जिसको बायो पसंद नहीं, हर एक के वे में सोचना होता है यार, मुझे सबका रिजल्ट अच्छा चाहिए, आई वॉन्ट एवरी वन टू स्कोर आउट ऑफ. तो अभी स्कॉलर बच्चों को लग रहा होगा ये क्या सर आप हर बात में कुछ नया निकाल लेते हो, बट ये फनी वे इसे ही बोलते हैं कि हर एक स्टूडेंट के कोर तक जाना है राइट, मेरा वो एम है, एवरेज स्टूडेंट को भी एक्सेल करवाना है, वो मेरे लाइफ का एम है एज ए टीचर राइट. सो आपको अगर नहीं लिखना है तो वेरी गुड, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं, जिनको लग रहा है वो टाटा लिख लो, पोटेशियम के टी को सर्कल कर लो, इसको टी को, तो आपको याद रहेगा पोटेशियम इज ऐसा के प्लस, इसको पोटेशियम लिखते स्टोमेटा. अब कभी आयन में कंफ्यूजन होगा? नहीं होगा, वाओ, लिख लो चलो नोट्स में फटाफट, सब कुछ देख लिया, चलो नेक्स्ट ओके.
सो अभी हमको और चीजें देखने के मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, उसमें ही आता है कि वर्टिकल सेक्शन में क्या पार्ट्स है एक लीव्स के, वो उस पर क्वेश्चन आते हैं, तो आपका होमवर्क भूलना नहीं है राइट. और ये स्टोमेटा का टाटा आपको याद रहेगा ना, टाटा यानी क्या, स्टोमेटा पोटेशियम टा पीज प्रोमिनेंट, मैंने बोला ना ये इनोवेटिव वे से कहीं नहीं मिलेंगे आपको, ये अपने आप आ जाते हैं. ब्रेन को ट्रेन करो, इट्स हाई टाइम टू रिट्रेन योर ब्रेन. इतना ब्रेन में इन डिटेल में मैंने आपको ट्रिक्स बताया कैसे पढ़ना है. आप इनोवेट करो यार, आपके अंदर मुझसे ज्यादा टैलेंट है अगर आप एक्सप्लोर करोगे तो, बट आप करते ही नहीं हो. और टाटा बोल दिया तो भी टाटा करके सेशन बंद करके मत जाना, नहीं तो आपको तो रीजन चाहिए. सर ने बोला टाटा टाटा सर टाटा चलते है, हो गया, ऐसा नहीं चलने वाला है, मस्ती रहे यार. चलो चलो अच्छे से देखो, और अभी मैं आपको अगली चीजें समझा रहा हूँ उस पर फोकस करो. चलो होमवर्क करके आना है और करना ही है. इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायग्राम्स पे, स्ट्रक्चर्स कौन से हैं क्या है. सो बी वेरी 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 लाइक सीरियस अबाउट दैट जब भी होमवर्क दू मैं. ओके सो स्टोमेटा, अब देखो ये एक लीव है, इसको मैंने देखा, ये नीचे वाला पार्ट है, दिख रहा है सबको, ये वेंट्रल बोलते हैं इसे. वेंट्रल यानी एकदम लीव का, जैसे हमारा वेंट्रल डॉर्सल पार्ट होता है हाथ को, अगर हम पाल्मर एस्पेक्ट हमारी वेंट्रल है, और जो डॉर्सल है हैंड का, वो जो पाम्स पे अगर मैंने आपके कुछ रख दिया चॉकलेट, ये लो चॉकलेट, तो वो वेंट्रल हुआ. ह्यूमन बॉडी से कोरिलेट करके बताओ, वैसे ही मैंने हाथ को रखा लीव्स को रखा, तो नीचे वाला वेंट्रल ऊपर वाला डॉर्सल. और स्टोमेटा नीचे बहुत सारे होते हैं, दिख रहा है आपको यहाँ पे एक स्टोमा ऐसे मल्टीपल होते हैं. इपिडर्मिस ऊपर वाला लेयर है. ओके बीन शेप्ड स्ट्रक्चर स्टोमेटा, समझ में आ रहा है, वेरी वेरी गुड. अब ये क्या होता है, द स्टोमेटा आर वाइड ओपन प्राइमरी फॉर द इनटेक ऑफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस. देखो CO2 इन एंड आउट, CO2 इन ऑक्सीजन आउट, क्यों इतने वाइडली ओपन होते हैं स्टोमेटास, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स है स्टोमेटा. और वाइडली ओपन क्यों होते हैं, ये वाइडली ओपन ड्यूरिंग स्पेशली द डे टाइम. क्यों, उसमें काफी फैक्टर्स हैं, हम आगे देखेंगे क्या क्या फैक्टर डिसाइड करते हैं. फॉर इनटेक ऑफ CO2 हम आगे देखेंगे इन डिटेल नेक्स्ट टॉपिक में, आफ्टर सेशन 4 हम फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने वाले, विच विल बी द लास्ट टॉपिक, मेजर टॉपिक ऑफ प्लांट, देन अगेन विल जंप टू ह्यूमन. देखा कितना मजेदार वे में हम पढ़ रहे. सो फॉर इनटेक ऑफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस, सॉरी. देखो बच्चों CO2 बड़ा जरूरी है, मैंने कहा ना आपको, वॉट कार्बन डाइऑक्साइड के सिवा फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस हो ही नहीं सकते. स्टोमेटा के अंदर भी यहाँ पे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, उसके डिटेल हम पढ़ेंगे डेफिनेटली. अभी सिर्फ याद रखो CO2 लेते हैं तो हम बोलते हैं ना प्लांट CO2 लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम वही ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन, लंग्स एंड एवरीथिंग हैपेंस दैट वे. आर यू गेटिंग, आपने नाइन्थ में अच्छे से रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा होगा, कैसे कैसे फंक्शन होता है, वेंटिल कैपेसिटी, स्पायरोमेट्री, सो मेनी थिंग्स. एनीवेज वो बाकी अलग टॉपिक है. तो CO2 और हम ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट CO2 लेते हैं डे टाइम में राइट. स्टोमेटा ओपन होते हैं, और नंबर ऑफ स्टोमेटा में रेंज फ्रॉम कितने नंबर होते हैं कौन बताएगा मुझे, नंबर ऑफ स्टोमेटा इन अ लीफ कितना कहाँ तक होता है. मैं रेंज फ्रॉम, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको सिर्फ एक दिख रहा है, बट मैं रेंज फ्रॉम, ये देखो फिगर याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू पूछ सकते, 1000 टू 10,000 पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ये देखो इसके पर सेंटीमीटर स्क्वायर में उतने होते हैं, यानी इमेजिन छोटू छोटू, ये तो मैंने माइक्रोस्कोप में देख के बड़ा करके आपको दिखा रहा हूं. अगर आप किसी लीफ में देखो तो आपको स्टोमेटा दिखेंगे क्या, इमेजिन नहीं दिखते बच्चों, ये माइक्रोस्कोपिक चीजें होती है, लीव्स दिखेंगे बट स्टोमेटा आर वेरी माइन्यूट स्ट्रक्चर. वेपर्स जो वाटर वेपर के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, एवरीथिंग इज सो सटल, वेरी सटल प्रोसेसेस, सो हमें नहीं दिखता है, बट आपको इसलिए ये नंबर याद रखना है. लिख लिया सबने, फटाफट लिखो यार. ओके स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है क्या क्या होता है, और चीजें कुछ बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान दो आप अभी. चलो इपिडर्मिस ये वाला येलो ऊपर वाला, देन यहाँ पे वेन यानी क्या, ये जाइलम वेसल वाला पार्ट है, यहाँ पे देखो येलो किया है मैंने पूरा, ये कौन सा कलर लू मैं, ये देखो ब्लू 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 जाइलम, यहाँ से वाटर आएगा, फिर वो वाटर का कैसे मूवमेंट होता है और वो कैसे स्टोमेटा से बाहर निकलता है वेपर के थ्रू, वो सब कुछ मैं आगे बताऊंगा राइट. लेयर्स को बार बार पढ़ लो, इसी सीक्वेंस में लिखना है. इपिडर्मिस इसके ऊपर होता है क्यूटिकल, तो क्यूटिकल वैक्सी लेयर होता है, हम आगे देखेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, नाम में देखो ना क्यूटिकल रिलेटेड टू स्किन, जैसे हम ह्यूमंस में इपिडर्मिस होता है स्किन, आपने इन डिटेल स्किन टॉपिक आपने नाइन्थ में पढ़ा है बच्चों, आप सबको पता है, अभी इसमें आप रिलेट कर सकते हो ह्यूमन बॉडी के साथ, ये बायोलॉजी में टर्म्स कॉमनली यूज होते हैं. भाई मेरी स्किन है उसका आउटर सर्फेस इपिडर्मिस है,
डर्मिस के ऊपर, इपी मींस अबोव, अब लीव्स का ऊपर का सरफेस है इपीडर्मिस, एग्जाम में अब मार्क कर लो अपर इपीडर्मिस, अपर बोलना है इसे अपर, क्योंकि लोअर भी एक होता है राइट, ये लोअर वाला येलो, ये देखो मैंने ब्लू से किया यहां पे, और यहीं पे अंदर से ये सब स्टोमेटा, ये लोअर इपीडर्मिस। क्लियर, लिखने की जरूरत नहीं आपको, होमवर्क बाद में, टेक्स्ट बुक क्लोज कर दो बाद में देखना है, सिर्फ इमेजेस पे फोकस करो अभी, जितना स्क्रीन पे ध्यान दोगे आपकी विजुअल मेमोरी बनेगी। मैंने कहा ना विजुअल मेमोरी, ऑसिपिटल कॉर्टेक्स ब्रेन, याद आ रहा है कुछ भाई, ऑसिपिटल में होता है विजुअल एरिया, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये भी, सिंपल सिंपल। मैं रैंडमली प्लांट में भी ह्यूमन को ला लूंगा, ह्यूमन बॉडी को, क्योंकि आपको सब सिलेबस पे एग्जाम देना और हमारा रिवीजन चलता रहेगा, इट्स अ प्रोसेस राइट, एंजॉय करते रहना है और रिलेट करते रहना है बायोलॉजी को, जितना कोरिलेट करके सर्किट्स बनाओगे अपने ब्रेन में, यू विल शाइन लाइक शाइनिंग स्टार। और जो डॉक्टर बनेंगे उनके लिए तो इतना कोर बेसिक बन रहा है अभी, आप देखोगे 11th 12th में यू विल जस्ट एक्सेल, क्योंकि आपको काफी लेवल का 11th 12th अभी आईसीएसई में है, जो आपका एनसीईआरटी होगा आगे नीट के लिए। तो जिनके लिए और जिनको नहीं बनना है वो 10th में शाइन करके आईआईटी इंजीनियरिंग जो भी बनना है यार बन लो, एंजॉय करो, उसमें क्या है, लाइफ को बस अपने सपने जीना है, पूरा करना है। एनीवेज, सो यहां पे ज़ाइलम वेसल्स, पैलिसेड मेसोफिल, पैलिसेड लाइक अरेंजमेंट होता है, देखो इट्स अ अरेंजमेंट ऑफ मेसोफिल, मेसोफिल एक टिश्यू है, आर यू गेटिंग। उसके बाद नीचे स्पॉन्जी, स्पॉन्जी स्पॉन्जी होता है, स्पेसेस होते हैं इसमें, और मॉइस्ट, ये देखो मॉइस्ट एयर स्पेसेस होते हैं, वाटर वगैरह वेपर्स इसके थ्रू डिफ्यूजन एंड काफी प्रोसेसेस होती है, और फिर लोअर एपिडर्मिस आता है। ओके, वाटर वेपर देखो यहाँ पे स्पॉन्जी मेसोफिल और इसके अंदर जो वाटर मॉइस्ट एयर स्पेसेस है वहां पे काफी वाटर वेपर्स होते हैं, अब बाद में देखोगे। फिर यही यहां से अंदर, ये 2D 3D में थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको दिखेगा नहीं है, यहां से डायरेक्ट वाटर वेपर के साथ स्टोमेटा के साथ ही उसका कनेक्शन है, क्योंकि लोअर साइड में आ गए हैं स्टोमा गार्ड सेल्स, ये दो दो किडनी शेप बीन शेप। ऑल क्लियर, कितना डिटेल में हमने समझा है। अभी फिर से मैंने इसका एक वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ पार्ट ऑफ लीफ लिया, अब हम बताऊंगा मैं आपको कैसे डिफ्यूजन होता है वाटर वेपर का। अब वाटर का डिफ्यूजन कैसे होगा कौन बताएगा मुझे, डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस भाई, हमने सब एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट में देखा है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, इसमें कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का नहीं रहता है, डिफ्यूजन में सिंपली होता है। अब ऑस्मोसिस भी होता है, सभी प्रोसेस साइमल्टेनियस होती है एक्चुअल में अगर बोला जाए तो, बट आगे मैं बताऊंगा आपको। अभी आप डिफ्यूजन के वे में अगर समझोगे तो हाई टू लो फ्रॉम पोरस रीजन ऑफ लीफ आउटसाइड एटमोस्फेयर थ्रू स्टोमेटा, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन जाइलम में, ये देखो येलो मैंने किया, ये देखो ये पूरा जाइलम के बंडल है, वैस्कुलर बंडल, हमारे बॉडी में जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं अर्टरीज वेन्स बंडल्स के रूप में, नर्व्स के बंडल होते हैं, वैसे लीव्स के थ्रू भी बंडल के थ्रू अरेंज हो, यानी वो रूट्स के लेके कंटिन्यूटी में वाटर फूड सबको चाहिए, तो ज्यादातर वाटर के जो बंडल्स है वेसल्स होती है जाइलम बोलते हैं, क्या बोलते हैं जाइलम, तो जाइलम से वो वाटर आएगा और फिर वो आगे यहां से कैसे पास होता है हम आगे देखेंगे। स्ट्रक्चर्स को बार बार समझ लो, मेरे साथ लर्न कर लो, सो दैट आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो ऊपर का लेयर कौन सा हो गया बताओ मुझे फटाफट, अब फिर से सीखेंगे आप। देखो वाटर वेपर्स एस्केप्स थ्रू स्टोमेटा फ्रॉम द लीफ, वाटर आफ्टर एब्जॉर्प्शन बाय द रूट्स, जो भी एब्जॉर्ब हुआ है इट राइजेस थ्रू द वेन्स, वेन्स यानी क्या, जब भी वेन्स बोल रहे हैं वो वेन्स यानी दे आर रिलेटिंग विद द वेन्स ऑफ प्लांट नॉट ह्यूमन बॉडी, उसमें जाइलम फ्लोएम आता है, फ्लोएम तो फूड करता है, फ्लोएम एफ प्रोनाउंसिएशन में आता है, दो वी स्पेल इट एज पी एच इट्स एफ, तो वो तो फूड करता है, हमें वाटर की बात करना है तो जाइलम, तो जाइलम एक वेन्स का पार्ट है, तो वेन्स के थ्रू क्या करेगा, वेन्स में आ गया पानी, आर यू गेटिंग, अब कहां जाएगा वो पानी बोलो मुझे, अब वेन्स से अब क्या जाएगा, राइजेस अप फ्रॉम स्टेम एंड रीचेस द टिश्यूज ऑफ द लीव्स थ्रू वेन्स, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव देयर सरफेसेस एक्सपोज्ड टू इंटरसेलुलर, ये स्पॉन्जी है ना, ये स्पॉन्जी इसका सरफेसेस देखो, ये स्पेस दिख रहा है वाइटिश आपको, इसमें कितना वाटर जा सकता है देखो आप, एक्सपोज टू इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं इसे, देखो ना मेसोफिल जो टिश्यू है इसके दो दो एक एक सेल के दो तीन सेल्स के बीच में कितना स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस है, सिंपल है, इंटर मीन्स इन बिटवीन सेलुलर स्पेसेस, are you getting, they are exposed, these surfaces of the cells give out some of the water as a thin film, ye jo bhi water inhone liya through inhibition osmosis wo give out kar dete hai spaces ke andar, are you getting, the water from thin film evaporates and water vapor form saturates the air in the intercellular, ab yahan pe water vapor jo hai wo saturate kar diya usne, then this vapor diffuses into the other connecting intercellular spaces, fir iska diffusion hota hai, ye dekho अगर मैं ब्लू से बताऊं तो ये देखो ये कंटिन्यूस चलते रहता है डिफ्यूजन, हर एक का इतने सारे स्पेसेस है,
यहाँ पे भी वाटर का मूवमेंट होता है, और फिर फाइनली जब वो आता है, आर यू गेटिंग, द वाटर वेपर देन डिफ्यूजेस इन द अदर कनेक्टिंग इंटरस्टेलर स्पेसेस, फाइनली रीचेस द सबस्टोमेटल स्पेस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ देखो सबस्टोमेटल नाम क्यों है इसका, बताओ मुझे. बायोलॉजी में ऐसे ही कोई टर्म नहीं बनता. सब मीन्स बिलो, राइट. सब सब्जेक्ट भी बोलते हैं, तो यू आर लर्निंग अंडर समथिंग, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ सब्जेक्ट, एनी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. सो सब प्रेफिक्स है स्टोमेटल, स्टोमेटा के बिलो वाला, यानी नीचे. हम अंडर सरफेस देख रहे हैं, स्टोमेटा तो एकदम लोअर एपिडर्मिस के वहां के लेवल पे है. तो यहाँ पे आ गया सब स्टोमेटल स्पेस में. अब पानी आपको दिख रहा है, H2O वाटर वेपर या जो भी फॉर्म में वो डिफ्यूज हुआ है. द एंटायर मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर सब स्टोमेटल स्पेस वेर इट एस्केप्स थ्रू द स्टोमेटा इमीडिएटली. यहाँ पे किडनी शेप ये है, देखो येलो में बताता हूँ, ये किडनी शेप दो स्टोमेटा है, यहाँ से वाटर का वेपर का यानी जस्ट एस्केप्स थ्रू दैट, यानी बाहर निकल गया फटाक से. द एंटायर मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सेल आउटसाइड एटमोस्फियर इज कॉल्ड एज, यानी सर्फेस ऑफ द सेल इनटू द आउटसाइड एटमोस्फियर. अब ये आउटसाइड एटमोस्फियर है, तो सेल सर्फेस से एंटर मूवमेंट जो हुआ इसको क्या बोलते हैं हम, इज एज इज किसका रिजल्ट है, इट्स अ डिफ्यूजन. सिंपल, हाई कॉन्सेंट्रेशन, जाइलम के पास पानी ज्यादा था, यहां पे ज्यादा था, वो बाहर आ गया. आर यू गेटिंग राइट, समझ में आ रहा है. अगर ड्राई एटमोस्फियर है, हाई टेम्परेचर है, तो ऑटोमेटिकली बाहर सराउंडिंग में वॉटर कम है, तो बाहर लो लेवल है, स्लीव्स के पास ज्यादा है, तो ऑटोमेटिक ट्रांसपिरेशन पूल से सब कुछ ये प्रोसेसेस होती रहेंगी. द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर वेपर लाइक दोज ऑफ एनी गैस मूव फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर टू लोअर. जैसे गैस होता है, परफ्यूम होता है, मैंने डिफ्यूजन के वक्त आपको बताया था कि आप रूम फ्रेशनर भी रूम में करो तो फटाक से वो डिफ्यूज होता है हर जगह पर. सो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूज. आर यू गेटिंग, देखो डिफ्यूजन भी हमने रिवाइज कर लिया, इसमें सेमी परमिएबल नहीं होता है, ऑस्मोसिस सिस में सेमी परमिएबल होता है, फिर से उसका भी रिविजन कर लिया. ओके नेक्स्ट, अभी देखो हमने वो अभी का फोटो में देख लिया, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू अ लीफ, द सेल सैप इन एग्जर्ट्स अ टग ऑफ प्रेशर आउटवर्ड ऑन द सेल. तो ये देखिए, अभी ये देखो स्टोमेटाज है गार्ड से, इसमें इस फोटो में देखिए, राइट. देखो अपर वैक्सी स्किन लेयर, उसे क्यूटिकल बोलते हैं, हम आगे देखेंगे. वैक्सी होता है एकदम, वैक्स पता है ना सबको, देन अपर, देन क्लोरोप्लास्ट, देन पैलिसेड, थिक लेयर होता है, ये कनेक्टिंग सेल्स होती है थिक. और मेसोफिल स्पॉन्जी कैसा होता है, एकदम विथ एयर स्पेसेस, राइट. फिर वहां से वाटर आएगा आएगा और फाइनली स्टोमेटा. अब देखो आपको और एक बात बताता हूं मैं, अब जब CO2 भी आता है तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही आता है, अंदर स्पॉन्जी एयर स्पेसेस में जाएगा. ये देखो एयर स्पेसेस में, येलो से बताता हूं, ये एयर स्पेसेस है, यहाँ पे स्पॉन्जी में होती है, नाम में है ना स्पॉन्जी, स्पॉन्जी सॉफ्ट सॉफ्ट एयर स्पेसेस होंगी, और थिक पैलिसेड इज वेरी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट लेयर, बट वो बिलो एपिडर्मिस होता है, राइट. दिस इज पैलिसेड. मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप में स्टडी कर रहे हैं, ऐसे समझिए कि हम साइंटिस्ट हैं. रिसर्च, आप तो बायो चैंपियंस बन गए हो अभी, मैंने आपका नाम ही रख दिया, ऑल ऑफ यू आर बायो चैंपियंस. सो दैट वे यहाँ पे फिर वो आएगा, वाटर एयर CO2 भी इसी वे में जाएगा, वाटर वेपर्स भी ऐसे डिफ्यूज होंगे. आर यू गेटिंग, समझ में आ रहा है. यहाँ पे गार्ड सेल्स और ये सब कुछ है, यहाँ पे इसके थ्रू एंट्री हो रही है. लीफ स्टोमा, स्टोमा को मैंने मैग्नीफाई किया और उसका लीफ का पूरा स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाया. आर यू गेटिंग, फिर से देखिए, इट्स अ ब्यूटीफुल स्लाइड, फिर से देख लो. ये देखो क्यूटिकल, बाहर वाला, अपर एपिडर्मिस, उसके नीचे लीव्स के ऊपर से हम अंदर अंदर तक जा रहे हैं. आर यू गेटिंग, आई मीन क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, पैलिसेड, स्पॉन्जी मेसोफिल, लोअर एपिडर्मिस एंड स्टोमा, फाइनली यहां से आता है. आर यू गेटिंग, ये सब स्ट्रक्चर्स इसी के अंदर सब कुछ एक्सचेंज होता है. आर यू गेटिंग, ओके लेट्स सी, और कुछ चीजें हैं मैं आपको बताता हूँ मूवमेंट ऑफ वाटर कैसे होता है. अभी लेट्स सी, काफी मजेदार है ये. देखो द सेल सैप इन ईच सेल एग्जर्ट्स अ टग ऑफ प्रेशर आउटवर्ड ऑन द सेल. देखो यहाँ पे जो मूवमेंट है, यहाँ पे क्या होगी, वो ऑस्मोसिस से होगी. ये देखो पैलिसेड, पैलिसेड की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, राइट. ऑस्मोसिस क्या होता है बताओ मुझे, इट्स अ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई टू लो. तो ये जाइलम वेसल्स यहाँ पे है, आपको दिख रहा है. देखो बच्चों, सेल सैप हर एक सेल में होता है, इट एग्जर्ट्स अ टग ऑफ प्रेशर. टग ऑफ प्रेशर सबको याद है, टर्जिडिटी, स्वेलिंग होना. सॉरी, आई एम सो सॉरी. देन फिर क्या होता है, इट एग्जर्ट्स अ प्रेशर फोर्स. क्या लिखा है आपके टेक्स्ट बुक में, दिस प्रेशर फोर्सेस सम वाटर आउट ऑफ द सेल वॉल इनटू द एयर स्पेस.
आउट ऑफ द सेल वॉल ये स्पेसिस में आना है मुझे, यहाँ पे जो स्पेसिस है स्पॉन्जी के, और तभी तो वो सब स्टोमेटल स्पेस से इमीडिएटली बाहर ऐसे आएगा. आर यू गेटिंग? हियर द वॉटर इवेपोरेट्स एंड वॉटर डिफ्यूजेस थ्रू एयर स्पेस सब स्टोमेटल स्पेस से, राइट? तो यहाँ पे कंटिन्यू टर्गर प्रेशर का मूवमेंट होता है. एग्जिस्ट अ टर्गर प्रेशर आउटवर्ड ऑन द सेल, दिस प्रेशर फोर्सेस सम वाटर आउट ऑफ द सेल इनटू द एयर स्पेस. ये टर्गर प्रेशर की वजह से आउट ऑफ द एयर स्पेस आ जाएगा वाटर. आर यू गेटिंग? और जब कभी द सेल्स लूज वाटर इन दिस वे, रिप्लेस इट बाय ड्रॉइंग इट फ्रॉम द नियरेस्ट वेन. वेन मीन्स वैस्कुलर बंडल. देखो अब यहाँ की सेल ने टर्गर प्रेशर से इम्बिबिशन वगैरह जो भी हुआ है, दिस वर्क साइमल्टेनियसली. इम्बिबिशन, वाटर सब कुछ स्वेल हो गया और टर्गर प्रेशर एग्जर्ट हुआ सेल पे. अब क्या होगा? और पानी खत्म हो गया, सेल तो ड्राई होने लगेगी, शंकन हो जाएगी. फिर से पानी लेना है तो जाइलम से ले लिया उसने. यहाँ पे देखो, ये देखो जाइलम से ले लिया, यहाँ पे पास में ही है जाइलम. और ऐसा एक नहीं है, बहुत सारे जाइलम वेसल्स यहाँ पे. सर मैं एक ही बता रहा हूँ आपको, डोंट कंसिडर कि एक ही होता, हर जगह पे वो स्प्रेड आउट है. वैस्कुलर बंडल्स वेन जैसे हमारे बॉडी में स्प्रेड है लीव्स में, और वो कंटिन्यू वाटर देती है. फिर से स्वेल होगी, सेल फ्रेश रहेगी, फिर से टर्गर प्रेशर, फिर से अलोंग द मोस्ट ऑफ दिस वाटर ट्रेवल्स अलोंग द सेल वॉल्स बाय इम्बिबिशन. इम्बिबिशन का काफी इंपॉर्टेंस है, राइट? आपको याद है ना इम्बिबिशन, या भूल गए हैं? इम्बिबिशन को भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया था. इट्स अ फिनोमेना बाय विच लिविंग और डेड प्लांट्स विल एब्जॉर्ब वाटर बाय विच कीवर्ड. क्या है इम्बिबिशन में? इम्बिबिशन इज सरफेस अट्रैक्शन, सिंपली सरफेस से अट्रैक्ट करके. यार इतना इजी है डेफिनेशन, इसलिए ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि ये इवन अभी हम ट्रांसपिरेशन में भी पढ़ रहे हैं. आर यू गेटिंग? ओके, वेरी वेरी गुड. सो ये कंटिन्यूअस होता है, स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल क्वांटिटी बाय ऑस्मोसिस. देखो अभी सेल सैप है यहाँ के सेल में, तो क्या होगा, वो वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूट का है उसमें, तो वो और वाटर लेगा पानी आसपास जो है, फिर खींचेगा. बट वो स्मॉल क्वांटिटी होता है, मेजोरिटी इम्बिबिशन एंड टर्जिडिटी प्रेशर से. याद रखना है, एग्जाम में पूछा तो लिख लो. मोस्ट ऑफ द वाटर ट्रेवल्स अलोंग द सेल वॉल्स बाय इम्बिबिशन. लाइक याद आ रहा है आपको? क्लियर? वेरी वेरी गुड. और बाकी रिमेनिंग स्मॉल क्वांटिटी एंटर्स द सेल बाय ऑस्मोसिस. लिख लू मैं आगे? मोस्ट ऑफ द वॉटर, लिख लो, ट्रेवल्स. मैं फिर से इस स्लाइड में बताऊंगा आपको. Along the cell walls, cell walls के along उसको travel करना है यार water को. Are you getting? तो वो कैसे करेगा? Along the cell walls by, देखो मैं highlight कर रहा हूँ, imbibition और imbibition, जो आपको pronounce करना है कर लो, meaning आना चाहिए और correctly concept clear होना चाहिए. Imbibition, okay? So imbibition से होता है, only small quantity लिख लो, small quantity of water travels. मैंने बोला ना ये सब कुछ प्रोसेसेस. ऑस्मोसिस का मेजर रोल रूट प्रेशर में बहुत ज्यादा है. इट्स अ टाइप ऑफ ऑस्मोसिस जो रूट्स में हमने एब्जॉर्प्शन में देखा, यहाँ पे उतना नहीं है लीव्स में. ओके, बाय ऑस्मोसिस. ओके, थाउजेंड्स ऑफ, देखो फिर से ये स्लाइड, लीफ सेल्स इवेपोरेट वाटर इन दिस वे कॉजिंग मोर वाटर टू बी पुल्ड आउट जाइलम में. ये ट्रांसपिरेशन पुल्ड जो कि हेल्प करता है 50-50 मीटर्स तक, इमेजिन अगेंस्ट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी to transport the water above and above. The more transpiration occurs from the under surface of. अब आपको सब कुछ root समझ में आ गया? Clear? फिर से देखो, most water travels along the cell by imbibition. यहाँ पे देखो imbibition हुआ है, ये देखो, ये फोटो में क्लियर कर लो. आपको बाद में 5.8 को भी ड्रॉ करना है, ए एंड बी, कैसे वाटर का मूवमेंट होता है, होमवर्क है, यहाँ पे फोकस करो अभी. सो मोस्ट वाटर ट्रेवल्स बाय imbibition, imbibition से हुआ यहाँ पे, राइट? इम्बिबिशन, इवेपोरेशन फ्रॉम द सेल वॉल्स. फिर इवेपोरेशन से क्या होगा, यहाँ पे इवेपोरेटेड एयर स्पेसेस में आ गया. यहाँ पे स्पॉन्जी है, पैलिसेड, अपर एपिडर्मिस, ये पैलिसेड वाला कॉम्पैक्ट, फिर स्पॉन्जी एयर स्पेसेस. अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर एंटर सेल्स बाय ऑस्मोसिस, राइट? वाटर चला गया, फिर से पानी लेना है तो कुछ ऑस्मोसिस हो जाता है. पानी आया, सेल को वापस श्रंक हो गई, वापस टर्जिड होना होगा, क्योंकि जितनी टर्जिडिटी उसको हम बोलते हैं फ्रेश, फ्रेश लीव्स, फ्रेश सेल्स. लीव्स के सेल्स फ्रेश है तो लीव्स भी फ्रेश रहेगा, नहीं तो पत्ते सूख जाएंगे, राइट? तो स्मॉल क्वांटिटी बाय व्हाट? ऑस्मोसिस. फाइनली डिफ्यूजन टू द आउटसाइड कैसे होगा, देखो, वो डिश एंड सबस्टोमेटल स्पेस एंड बाहर आ गया वाटर वेपर.
ट्रांसपिरेशन हो गया, कूलिंग हो गया बढ़िया से, फिर से वाटर का पुलिंग होगा रूट से, फिर से ये साइकिल, इट्स अ साइकिल, ब्यूटीफुल साइकिल ऑफ नेचर विच गोज ऑन. ओके, अभी हमने ये अच्छे से समझ लिया है. अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट. क्या डेमोन्स्ट्रेट करना है मुझे? द डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन यानी कितने एक्सटेंट में होता है वो, मैग्नीट्यूड्स ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम टू सर्फेसेस ऑफ डाइकॉट लीव्स और अ लीफ. ओके, टू यानी कौन सा, एक डॉर्सल एक वेंट्रल, यहां पे लिख लेता हूं मैं. मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर लिया डॉर्सल वेंट्रल ह्यूमन बॉडी के साथ कोरिलेट करके बायोलॉजी को ऐसे ही पढ़ना है, राइट. अब वो कैसे होगा आप देख लो. ये देखो यहां पे एक्सपेरिमेंट में दिख रहा है आपको. यहां पे देखिए, इसमें सपोज एक ने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को लगा दिया है अपर सरफेस पे, राइट. अपर सरफेस पे क्या होगा, मैंने कहा था स्टोमेटा कम होती है एक्सपोज्ड, राइट. तो ये कम पिंक टर्न हुआ है, होगा थोड़े तो स्टोमेटा होंगे बट पूरा पिंक दिख रहा है आपको. आपको देखो, ये नोट करो, इज दैट वॉल पिंक? नो. यानी इसने प्रूव कर लिया प्रैक्टिकली. देखो ऐसे लोग परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, बॉटनिस्ट जो भी है. कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, कोबाल्ट दोनों तरफ अब मैंने ड्रॉ किया है, तो अपर में क्या होगा, ज्यादातर तो ये ब्लू रहेगा. मैंने ब्लू कर दिया इसको, देखो यहां पे मैंने क्या किया, पेपर को लगा दिया विद द हेल्प ऑफ क्लैंप, राइट, अटैच टू टू सर्फेसेस ऑफ द लीव्स पोजिशन बाय टू ग्लास स्लाइड्स ऑन आइदर साइड टाइड टूगेदर बाय इलास्टिक बैंड और क्लैंप्स लगा दिए मैंने. ये देखो दोनों तरफ लाइक दिस, आर यू गेटिंग? ये देखो क्लैंप्स यहां पे भी यहां पे भी. अब क्या होगा, जो लोअर सरफेस पे स्टोमेटा बहुत ज्यादा होते हैं तो ये पिंक हो जाएगा. देखो जब मैं 2-3 घंटे बाद ऑब्जर्व करूंगा, इट मींस क्या, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा. सिंपल है, आप बाद में पढ़ लोगे तो आपको आसान होगा. मैंने नटशेल में कीवर्ड्स बता दिए. ऑन लोअर सरफेस लिख लो, मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन लोअर सरफेस, दिस प्रूव्स दैट ट्रांसपिरेशन. क्या प्रूव हुआ है देखो, आगे लिखो, प्रूवन. क्या प्रूव हुआ है, हेंस प्रूवन. क्या प्रूव हुआ है कौन बताएगा मुझे, दैट ट्रांसपिरेशन, दिस प्रूव्स दैट, लिख लो ये सेंटेंस जो हमने, बाद में आप ड्रॉ कर लेना यार वही डायग्राम्स, अगर आ जाए एग्जाम में तो वो ड्रॉ करना है. सिंपल है यार, बच्चों वाले एक्सपेरिमेंट. प्रूव्स दैट मोर ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द लोअर सरफेस which is on account of why, due to what, numerous stomata found on it lower surface, due to numerous stomata, large number of stomata, bracket mein likh lo, clear, lower surface large. Dekho l for lower, exam mein bhul gaye to aur ek trick, l for lower surface of leaf. अपर और लोअर अगर कंफ्यूजन होता है, एल फॉर लोअर एंड एल फॉर लिख लो, एल फॉर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा. देखो यार और कितने ट्रिक्स दूं मैं, कंफ्यूजन जहां होता है मैं वहां पे ट्रिक्स दे ही देता हूं क्योंकि हेल्प करता है. लिख लो अभी लग रहा है भूल, एग्जाम में वही कंफ्यूज कर देते हो, गलत इंटरप्रिटेशन लिख लेते हो. दैट्स व्हाई इट टर्न्स पिंक ऑन द लोअर सर्फेस. द पीस ऑफ पेपर फेसिंग अपर सर्फेस ऑफ लीफ डज नॉट टर्न पिंक और इट टर्न्स पिंक टू वेरी लेसर एक्सटेंट. And it takes more time than the lower surface, क्योंकि बहुत कम स्टोमेटा होता है, थोड़ा बहुत पिंक होगा यहाँ पे. देखो ऐसे इसमें ये मैंने डिवाइड कर दिया दोनों को, एक अपर था एक लोअर था, क्लियर, लोअर अपर, क्लियर. सिंपल एक्सपेरिमेंट है. चलो अब हम देखेंगे स्टोमेटल रेगुलेशन, सिंपल चीजें हैं. ये लिख लिया सबने, पॉज करके लिख लो, आई एम मूविंग अहेड क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे है. चलो नेक्स्ट इज स्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन. छोटू सा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. उसके बाद हम क्यूटिकुलर एंड लेंटिकुलर देखेंगे एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हिच इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग, क्योंकि बीनू है जो कब से रुका है, उसको ये सब समझ गया बट उसको समझ भी नहीं आ रहा ये कैक्टस बना कैसे. बाकी ज्यादातर प्लांट्स में तो लीव्स नॉर्मल है, तो इसको इतने कांटे क्यों है, ये थॉर्न्स क्यों है कैक्टस में. सो बीनू का भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है और उसके साथ आप भी पढ़ लोगे. तो चलो फटाफट समझ लो इसको, स्टोमेटल रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होता है. ये देखो बेटो, ये देखो बच्चों,
देखिए बायो चैंपियंस माय डियर बायो चैंपियंस, माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होती है स्टोमेटा, और कहां पे होती है वो? लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, कैपिटल में, फिर से लिख रहा हूं, लिख लो मेरे साथ फटाफट, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, अपर और लोअर सरफेस, एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हुआ तो, लोअर सरफेस ऑफ, लोअर इपिडर्मिस और लोअर सरफेस ऑफ लीव्स, इपिडर्मिस होता है ना लोअर भी, तो इपिडर्मिस के लेवल पे होता है वहीं पे, ऑफ लीव्स, क्लियर? तो यहां पे एल एल को सर्कल कर लो अलग पेन से, या पेन आपके नॉर्मल पेन से नोट्स में चलो, एल लोअर लार्ज नंबर, एल एल भूलोगे नहीं ना, लिख लो यार, इतने ट्रिक्स निमोनिक्स के साथ हम पढ़ते हैं यार, और क्या चाहिए, आप थोड़ा सीरियस, आई मीन थोड़ा सा सीरियसली लेक्चर्स को अटेंड करो, एंजॉय करते हुए पढ़ो यार, इतने ट्रिक्स निमोनिक्स है, एल एल लोअर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा, इस पे पूरा एक्सपेरिमेंट है एग्जाम में, ये अगर भूल गए इसमें ऊपर नीचे कर दिया, अपर सर्फिस लोअर सर्फिस तो हड़बड़ कर जाएगी, इसलिए डॉर्सल वेंट्रल छोड़ दो, आप सिर्फ अपर और लोअर रखो, क्योंकि कुछ लोग किसी को डॉर्सल बोलते हैं किसी को वेंट्रल समझते, इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, आपको एग्जाम में अपर एंड लोअर के व्यू में ही पूछेंगे, ओके, आर यू गेटिंग? सो इट्स अ लोअर सर्फिस, राइट? एक्चुअली हुआ क्या, टेक्स्ट बुक में आपके इसमें लोअर सर्फेस को डॉर्सल बता दिया और अपर सर्फेस को वेंट्रल बताया आपके डायग्राम में, जबकि आइडियली वेंट्रल एक अलग लेवल होता है जो एक्सपोर्ट डॉर्सल, अगर ह्यूमन एनाटॉमिकल और बायोलॉजिकल लेवल पे, बट ये कुछ लोगों के ये क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, आई मीन अपने अपने वेज है उसको बताने के, तो आपको एग्जाम में अपर एंड लोअर बोल्ड लेटर्स में दिया है डायग्राम में, वही समझना है आपके इसमें क्या दिया टेक्स्ट बुक में, अब तक मैंने आपको वेंट्रल बोला था लोअर का, बट अभी अगर डायग्राम में देखो तो इट्स लाइक दैट, जबकि आइडियली इट शुड बी वेंट्रल, आइडियली बॉटनिकल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो, मैं जो मैंने तब सीखा था, बट एनीवेज ये भी रॉन्ग नहीं है, अपना व्यू है, अपर लोअर बोला तो इट्स ऑल क्लियर, अब अपर को उन्होंने वेंट्रल बोला है तो अपर को क्या बोला उन्होंने, वेंट्रल, यहां पे लिख लेता हूं, आपके अगर फिर भी अगर आपको डायग्राम वाइज अगर जाना है तो अपर सरफेस, जस्ट अ मिनट, अपर सरफेस ऑफ लीव्स, अपर सरफेस इज वेंट्रल एंड लोअर इज डॉर्सल, तो फिर से यहां पे उन्होंने थोड़ा सा उनके पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तो इट्स ओके, मैं इसको रॉन्ग नहीं बोल रहा, आप इस वे में भी रख सकते हो, बट अपर एंड लोअर सरफेस रखो, अपर को वेंट्रल भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू योर सेलिना टेक्स्ट बुक, अपर सरफेस इज वेंट्रल इन लीव्स, लोअर सरफेस इज डॉर्सल इन लीव्स, उन्होंने वैसे ब्रैकेट में डायग्राम में दिया, तो आप ऐसे ही समझ लो, ओके फाइन, तो बस इतना साइड में, बट लोअर अपर का ऐसा याद रख लो, सिंपली अपर एंड लोअर सर्फेस में ही लिखना है आपको एग्जाम में, ओके फाइन, क्लियर? क्लियर ना? आगे बढ़ू मैं, स्टोमेटल रेगुलेशन पे ये डॉर्सल वेंट्रल लार्ज एंड लोअर सर्फेस लार्ज, अच्छा और एक लॉजिकल रीजन है अगर इनको इस वे में बोलना है कि वेंट्रल साइड ऑफ द लीव विच फेसिंग टुवर्ड्स द सॉइल, राइट, इनको बोलना है कि वेंट्रल जो है वो फेसिंग टुवर्ड्स द सॉइल, राइट, उसे डॉर्सल बोला है उन्होंने, राइट, समझ में आ रहा है आपको, वेंट्रल इज व्हाट, सॉरी नॉट डॉर्सल, बोलना है जो सनलाइट को एक्सपोज हुआ है वो अपर सरफेस है वेंट्रल, उसमें बहुत क्लोरोफिल होता है, वो बहुत सनलाइट को एक्सपोज है तो उसमें स्टोमेटा ज्यादा होते हैं लॉजिकली, तो उस अपर सरफेस को हम क्या बोलते हैं, अपर सरफेस इज वेंट्रल, वेंट्रल ऐसे ही याद रख लो, ओके, क्योंकि ये अलग अलग टर्मिनोलॉजीज, मैंने बोला ना कुछ बॉटनिस्ट ऐसा बोलेंगे कुछ ऐसा, बट चलो अपर में क्या है याद आ रहा है आपको, अपर में मोर एक्सपोज्ड, मैंने लीव्स के कॉन्टेक्स्ट में बताया था आपको जो नीचे स्टोमेटा है, बट वो अपर का एक लेयर है लोअर का एक लेयर है, वो इतना कंफ्यूजिंग है, तब मैंने बताया कि स्टोमेटा देखो नीचे है, सो दैट इज द वेंट्रल, बट वो रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर साइड है, सो इट्स वेरी वेरी कंफ्यूजिंग, मुझे पता था, इसलिए लार्ज नंबर लोअर सर्फेस, लोअर को अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक यू डॉर्सल बोलते हैं, ओके समझ में आ रहा है आपको, सो इसमें हर एक का एक अलग वे ऑफ थिंकिंग है, आप सिंपल याद रख लो, क्या बोला मैंने, ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम द लोअर सर्फेस विच इज ऑन अकाउंट ऑफ न्यूमरस स्टोमेटा, लोअर को क्या बोलते हैं, सेकंड, सेकंड क्या बोलते हैं लोअर को, व्हाट इज दैट, डॉर्सल, अगर आपको पूछा जाए तो डॉर्सल, क्लियर, और अपर जो है वो वेंट्रल, राइट, समझ में आ रहा है आपको, All clear? चलो next we will move ahead. चलो, so stomatal regulation यानी क्या? Simply फिर से समझ लो, it's very very easy कि कैसे stomata regulate करती है transpiration को. Transpiration occurs as long as the stomata are open. जब तक open है stoma, ये देखो,
तब तक ही होगा ट्रांसपिरेशन, वाटर वेपर, राइट, वाटर वेपर्स, ये क्लियर है सबको? एनी डाउट्स? राइट, when they are closed it stops. The opening and closing of stomata is regulated by amount of water and solutes. इसमें कितना amount है water का? ज़्यादा है तो ये turgidity होगी, imbibition होगा, ये और swell होगा, और ये तो thick side होता है, मैंने previous lecture में बताया, तो open हो जाएगा, right? फिर उसमें osmosis, diffusion, जो भी way में turbidity and imbibition वाले pressures होते हैं, right? And stomata open during daytime. The diffusion of gases in and out starts fulfilling the need of photosynthesis. फिर यहाँ पे सिर्फ water जाता है क्या? नहीं, यहाँ पे जाता है CO2 भी अंदर और oxygen बाहर, respiration भी होता है plant का इसके through. आपने respiration topic 9th में पढ़ा है in detail. Okay, fine, is that clear? Very good. Then क्या होता है? Any reason अगर water content of leaf is अगर short हो गया, पानी अगर कम है सॉइल में और वाटर नहीं मिल रहा, तो स्टोमेटा ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे, राइट? इसमें प्रेशर भी नहीं रहेगा, क्योंकि क्लोज होना जरूरी है, नहीं तो इतना वाटर वेपर जाएगा कि प्लांट मर जाएगा सूख के. सो कितना ब्यूटीफुली इट वर्क्स, गेटिंग हाउ ब्यूटीफुली इट वर्क्स. सो द वाटर कंटेंट ऑफ द लिक्विड इज फॉलिंग शॉर्ट, द गार्ड सेल फेल टू रिमेन टर्जिड रादर देन दे टर्न फ्लैसिड. अभी टर्जिड है, फ्लैसिड में ऐसे होंगे देखो, और ये दोनों एक दूसरे को चिपक गए. क्लोज्ड स्टोमेटा ऑटोमेटिक, क्योंकि पानी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है, फ्लैसिड हो गए और क्लोज कर दिया. भाई जितना पानी है अंदर अपना यूज कर लो, जो भी लगता है, हम बाहर अगर फेंक दे तो प्लांट ही सूख जाएगा. इसका और डिटेल ओपनिंग एंड क्लोजिंग का हम फोटोसिंथेसिस में स्टोमेटा का देखेंगे, डोंट वरी. ओके, अब लीव्स ऑफ सम प्लांट्स विल ड्यूरिंग मिड डे एंड रिकवर इन द इवनिंग. ऐसे भी कुछ लीव्स होते हैं जो मिड डे में क्या करते हैं, विल्ट हो जाते हैं, सूख जाते हैं, बट इवनिंग में रिकवर हो जाते हैं. वो क्यों होता है, कौन बताएगा मुझे? जैसे कि बैल्सम है, ये देखो बैल्सम काफी कॉमन एग्जांपल है. तो बैल्सम लीव्स ऑफ द प्लांट्स विल्ट ड्यूरिंग मिड डे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर, फिर भी वो सूख जाते हैं ये लीव्स. क्यों मिड डे में? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाइट. क्यों मिड डे में? व्हाई? कौन बताएगा? क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन सच केसेस मिड डे एक्सीड्स द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट्स. इतना ट्रांसपिरेशन होता है, रेट इतना हो जाता है मिड डे में इन प्लांट्स में कंपेयर टू एब्जॉर्प्शन. तो इतना अगर ट्रांसपिरेशन हो गया और इतना पानी गया तो सेल्स की टर्जिडिटी लूज हो जाएगी और वो क्लोज हो जाएगी, राइट? ओके, पानी नहीं बचा, इतने फास्ट हो जाता है एब्जॉर्प्शन, जितना लेना है. रूट्स तो कम एब्जॉर्ब कर रहे, उतना नहीं हो रहा, इसका ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा है. तो अगर इतना ज्यादा है रेट तो ऑटोमेटिकली ये सेल्स क्या हो जाएंगे, इस वे में क्लोज हो जाएंगे, राइट? सेव करना है ना पानी को. फिर इवनिंग में फिर से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं. इवनिंग ड्यूरिंग द नाइट टाइम स्टोमेटा आर कंस्ट्रिक्टेड, क्योंकि लॉस ऑफ टर्जिडिटी होगा इन द इवनिंग ड्यूरिंग नाइट, स्टोमेटा आर कंस्ट्रिक्टेड, द टेम्परेचर इज नॉट हाई, देर इज नो लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, राइट, एंड टर्जिडिटी ऑफ द लीव्स इज रीएक्वायर्ड, राइट? तो टर्जिडिटी फिर से रीएक्वायर हो जाती है और वो लीव्स स्टैंड इरेक्ट. समझ में आ रहा है आपको? स्टोमेटा कंस्ट्रिक्ट एंड टेम्परेचर इज नॉट हाई, तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है फिर से. समझ में आ रहा है? तो अपने आप ये फंक्शंस होते रहते हैं. तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द प्लांट बाय एडजस्टिंग द साइज ऑफ स्टोमा. लिख लो, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय द प्लांट बाय एडजस्टिंग व्हाट? द साइज ऑफ स्टोमा. देखा ना, क्लोज ओपनिंग क्लोजिंग, ये साइज पहले बड़ा हो गया ओपनिंग में, फिर एकदम से पूरा पतला हो गया. देखो ओपन क्लोज्ड, ये सिर्फ स्टोमेटल में होता है. अदर जो है क्यूटिकुलर लेंटिकुलर, इसमें हम रेट कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें स्टोमा ही नहीं है, तो ओपनिंग क्लोजिंग कहां से होगा, हम वो देखेंगे. चलो नेक्स्ट. अब सेकंड टाइप इज क्यूटिकुलर, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. क्या है ये? इतना आसान है बच्चों, ये एक एक लाइन की चीज है, इस पे बाकी कुछ ज्यादा नहीं पूछते. सुनो, सो क्या है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, कौन बताएगा मुझे? इट्स वेरी इजी. देखो क्यूटिकल क्या है? क्यूटिकल इज द वैक्सी लेयर सिक्रेटेड बाय, इट्स अ प्रोटेक्टिंग फिल्म ऑन द एपिडर्मिस. वैक्सी लेयर, देखो वैक्सी लेयर आपको याद रखना है, ऑन द किस में होता है? सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस ऑफ द टू सर्फेसिस ऑफ लीव्स, ऑफ लीव्स सिक्रेटेड, राइट? अब ये क्या करता है क्यूटिकल? इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इन द, आई मीन इट एक्चुअल में उसका फंक्शन क्या है क्यूटिकल का?
इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेसिकेशन एंड एक्सटर्नल स्ट्रेस, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल स्ट्रेस. तो एक्चुअल में उसको प्रोटेक्ट करना है वैक्सी लेयर को, बट कुछ ट्रांसपिरेशन उससे हो जाता है अगर क्यूटिकल लेस थिक हो तो. ग्रेटर द थिकनेस लेसर द इवेपोरेशन. थिकनेस अगर ज्यादा, इमेजिन अगर वैक्स ज्यादा रख दिया तो पानी वेपर के थ्रू जा सकता है का, इट्स फॉर्म्स अ बैरियर. नो, तो लेस थिन थिकर द थिकनेस लेस, आई मीन थिकर द क्यूटिकल आर थिकनेस लेस द ट्रांसपिरेशन, ये लिख लो. एंड थिन क्यूटिकल रहा तो कितना होगा, ज्यादा होगा, ये याद रखना है. आई मीन ट्रांसपिरेशन होगा, थिन क्यूटिकल लिख लो, मोर ट्रांसपिरेशन. क्योंकि आइडियली इट इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो मेनली फंक्शन स्टोमेटा का है, बट कुछ वाटर वेपर के थ्रू लॉस बाकी बॉडी पार्ट्स में होता है, जैसे लीव्स में होता है. द थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल वैरीज फ्रॉम प्लांट टू प्लांट. द प्राइमरी क्यूटिकल सर्व्स टू प्रिवेंट इवेपोरेशन ऑफ वाटर. मैंने बोला ना, इसका प्रिवेंट ही है, ये वैक्स जैसा लेयर के हमें लॉस ऑफ वाटर प्रिवेंट करना है, बट कुछ लॉस ऑफ होना ही है वाटर का. इतना भी थिन नहीं हो, थिक नहीं होता है हर एक में, थिन होता है बहुत जगह पर. अब डेजर्ट के प्लांट में कैसा होगा कौन बताएगा मुझे, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, ये वैक्सी लेयर दिख रहा है आपको, वैक्सी लेयर क्यूटिकल. अब मुझे कौन बताएगा डेजर्ट में, जो राजस्थान, सपोज राजस्थान इज द स्टेट, वहां पे जो प्लांट है उनमें कैसा होगा थिक और थिन. जल्दी से, थिक क्यूटिकल, अप्लाइड क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं एग्जाम में. क्यों? क्योंकि हमें वाटर लॉस कम करना है, इतना हीट होता है वहां पे, प्लांट तो सूख के मर जाएगा, तो नेचुरली उनके लीव्स में थिक थिक वैक्सी लेयर बनता है. सो डेजर्ट्स, समझा कितना ब्यूटीफुल है, नेचर अपने आप एडजस्टमेंट करता है. समझ में आ गया, वैक्सी लेयर होता है क्यूटिकल, लाइक थोड़ा बहुत वाटर वेपर्स और ट्रांसपिरेशन होता है, बट वैक्सी वैक्सी होता है ऐसा, दिख रहा है आपको बहुत वैक्सी, कुछ लीव्स में लिटरली दिखता है वो थिक अगर वैक्स हुआ तो. वैक्सी लेयर क्यूटिकल, और इसे बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. इसका रेट हम कर सकते हैं क्या स्ट्रोमेटल जैसा, कंट्रोल नहीं, क्योंकि क्यूटिकल में कुछ क्लोज ओपन करिए कुछ नहीं, जो होना है वो होना ही है. ऑल क्लियर. अभी थर्ड टाइप है लेंटिक्यूलर, देखो थर्ड इज लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन. देखो लॉस ऑफ वाटर, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू अ लेंटिसेल्स बोलते हैं इसे. क्या बोलते हैं हम इसे, लेंटिसेल्स. ऐसे बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं, ये पोरस ओपनिंग्स. ये देखो यहाँ पे बार्क जो है, अगर ये बार्क है किसी ट्री का, तो बार्क में ऐसे लेंटिकल्स होते हैं बहुत सारे. आपने ये इवन पढ़ा होगा, इसके पहले भी सुना होगा, इसके थ्रू वाटर लॉस होते रहता है. फ्रूट्स में भी लेंटिकल्स होते हैं कहीं पे, राइट, वुडी स्टेम एंड फ्रूट्स. यहाँ पे एप्पल भी दिखा है, बट मेनली बार्क, तो उसमें से भी वाटर जाता है. ये देखो माइक्रोस्कोपिक है, मैं बताऊँ आपको माइक्रोस्कोपिक कैसा होता है. देखो ये माइक्रोस्कोपिक व्यू, क्योंकि इतना क्लियर हमें नहीं दिखता, इसमें टिश्यूज है, ये वाटर जाएगा और ये जो है लूज स्पेसेस इसके थ्रू बाहर आएगा. सो लेंटिसेल्स आर स्पेशल ओपनिंग्स. क्या है लेंटिसेल्स, आर स्पेशल ओपनिंग्स, लिखो, दे आर स्पेशल ओपनिंग्स, स्पेशल ओपनिंग्स क्या, ऑन द बार्क्स ऑफ ओल्डर स्टेम. ऑन द बार्क्स, बार्क्स होता है ना वुडन ओल्डर स्टेम, बार्क्स ऑफ ओल्डर स्टेम्स. क्या करते हैं, अलाउ डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेशन गैसेस का भी होता है. लेंटिसेल्स नेवर क्लोजर, इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन नहीं कंट्रोल कर सकते, क्योंकि क्लोज नहीं होते लेंटिसेल्स, नेवर क्लोज. राइट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर, दे रिमेन ओपन ऑल द टाइम, दे रिमेन ओपन. लिखो ये पॉइंट्स नोट्स में, वेरी वेरी क्रुशियल पॉइंट, एग्जाम में अगर पूछा तो इनडायरेक्ट एमसीक्यू. वॉटर फ्रॉम द सेल सर्फेसिस डायरेक्टली फेसिंग द लेंटिसेल्स इवेपोरेट्स. जो भी लेंटिसेल्स का वाटर है वो इवेपोरेट होता जाएगा, जो भी एक सर्फेसेस से, राइट. अमाउंट ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लेंटिसेल्स सर्टनली मोर देन क्यूटिकुला, राइट. क्यूटिकल में तो सिंपली वैक्स होता है, ज्यादातर थिक होता है, इसमें तो काफी पोरस ओपनिंग होते हैं, तो क्यूटिकल से ज्यादा है, बट स्टोमेटल से लेस ट्रांसपिरेशन है. क्यूटिकल से ज्यादा, स्टोमेटल से लेस. क्लियर, सिंपल है तीनों, ये दोनों तो बेबी टॉपिक्स है. क्लियर, वेरी वेरी गुड. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, जो हमारा लास्ट पार्ट है. अभी 10 मिनट्स में ये सेशन फिनिश हो जाएगा, प्लीज फोकस. ये सब कुछ बच्चे वाली चीजें, दैट अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन. आप खुद बोलोगे कि ये इतना आसान है, सिर्फ बीनू वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मजेदार है, वो हम देखेंगे. फटाफट बताओ, दो इसमें डिवाइड किया मैंने, एक्सटर्नल फैक्टर्स टोटल कितने हैं, सिक्स फैक्टर्स पढ़ेंगे हम. लिख लो, चार्ट बनाओ,
एंड सेकंड इज इंटरनल फैक्टर, सिंगल फैक्टर पढ़ेंगे हम, इंटरनल फैक्टर ओनली वन सिंगल फैक्टर है इंटरनली, दैट इज वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स, वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स ये एक ही फैक्टर है जो डिसाइड करता है. ओके सो दीज आर फैक्टर्स. अब कुछ फैक्टर्स भी होंगे ना, हमने ट्रांसपिरेशन देखा, कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं. चलो एक्सटर्नल फैक्टर्स को समझ लेते हैं हम, एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन. फटाफट एक एक लाइन की चीजें, कुछ बच्चों वाली बात है. फर्स्ट इज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट. बताओ मुझे, आप बताओगे क्या होगा, सब कुछ एथ में पढ़ा है और लॉजिकल है. अगर सनलाइट ज्यादा है राइट डे टाइम में, ऑब्वियसली हीट ज्यादा है, ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टोमेटा विल ओपन. और यहाँ पे क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना है राइट, फॉर फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा विल ओपन, क्योंकि उन्हें गैसेस चाहिए ना, और गैसेस के लिए ओपन हुआ CO2 के लिए, तो ऑटोमेटिक वाटर वेपर बाहर जाएंगे. फॉर फोटोसिंथेसिस डिफ्यूजन ऑफ CO2 स्टोमेटा विल ओपन, फिर क्या होगा, मोर ट्रांसपिरेशन ऑकरिंग ड्यूरिंग डे, मोर ट्रांसपिरेशन लिख लो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑकर्स ड्यूरिंग डे, लॉन्ग नोट में लिखना है और शॉर्ट नोट में डायरेक्ट क्वेश्चन कि डे में कैसा होगा. व्हेन इट इज क्लाउडी ड्यूरिंग डे स्टोमेटा आर पार्शियली क्लाउडी हुआ तो, और नाइट टाइम में जनरली क्लोज, क्योंकि CO2 फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, लाइट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा राइट. या फिर ट्रांसपिरेशन लेस होगा, क्लाउडी आता सनलाइट नहीं है तो क्या करना है हमें, फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, लाइट ही नहीं है तो. सो क्लाउडी डे पार्शियली, मेनली आपको ये याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, मोर ट्रांसपिरेशन ड्यूरिंग डे 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 लिखा सबने पॉज करके, वेरी गुड. नेक्स्ट नेक्स्ट इज टेम्परेचर. अब आप लॉजिकली बताओ, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वेपरेशन जनरली किसी भी चीज का होता है, ओवन पे भी टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉइल होके वाटर वेपर होगा, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर अलाउज मोर वाटर टू इवेपोरेट, डिक्रीज इन टेम्परेचर लेट लेस इवेपोरेशन, सो आउटसाइड टेम्परेचर इज हायर मोर ट्रांसपिरेशन, टेम्परेचर हायर लिख लो मोर ट्रांसपिरेशन, लॉजिकल चीज है यार, बच्चों वाली, फिफ्थ सिक्स का बच्चा भी मन से बोल देगा. थर्ड कौन सा फैक्टर है, इट इज वेलोसिटी ऑफ विंड. बताओ मुझे, सब कुछ पढ़ा हुआ है एट्थ में फिर भी हम सीख रहे हैं उसके कीवर्ड्स क्या है, ऐसे टॉपिक्स पे तो मार्क्स लूज नहीं होना चाहिए. ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद velocity of wind, wind blows faster to water vapor release during transpiration, removed faster. अगर wind जल्दी जल्दी घूम रहा है तो जो water vapor मैंने आसपास में tree में आए वो जल्दी move होंगे right? So more velocity, ऐसे लिख लो एक एक word में, keywords में, more velocity, more velocity of wind, क्योंकि एग्जाम में कीवर्ड्स ही पूछेंगे, आई मीन सॉरी यही एमसीक्यू में पूछेगा और एक्सप्लेन करना है, तो आप इसको सेंटेंस बना लो. क्लियर, मोर ट्रांसपिरेशन राइट, समझ में आ रहा है, एरोज भी बना रहा हूं मैं, मोर वाले. क्लियर टेम्परेचर एंड वेलोसिटी, क्लियर सबको, वेरी वेरी गुड. फोर्थ फैक्टर क्या है जो एक्सटर्नल, ह्यूमिडिटी. यहां पे कैच है, ये काफी बच्चे ये कॉन्सेप्ट भूल गए होंगे एट का, मैं बताता हूं रुको. ह्यूमिडिटी यानी ह्यूमिड एटमोसफियर जो बारिश के दिनों में जनरली होता है, तो क्या होता है उसमें, जो स्टार्टिंग में वहां पे वाटर वेपर्स ऑलरेडी काफी है वाटर मॉलिक्यूल्स का क्लाइमेट में राइट, ह्यूमिड सा लगता है राइट, और जैसे सी एरियाज में मुंबई में बहुत ज्यादा होता है राइट. सो एयर कैनॉट होल्ड मोर मॉलिक्यूल्स, तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या होगा, ये बॉक्स बनवा लो यार, आप एग्जाम में कंफ्यूज कर दोगे नहीं तो, इसके लिए स्पेशल बड़ा बॉक्स. और भूलना नहीं है, ट्रांसपिरेशन इज रिड्यूस इफ द एयर आउटसाइड इज ह्यूमिड, सो ह्यूमिड एटमोसफियर और ह्यूमिड एयर और एटमोसफियर, ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ट्रांसपिरेशन इज रेड्यूस्ड. रेड पेन से ऐसे कर लो आप, ह्यूमिड मीन्स ये देखो, ह्यूमिड मीन्स ह्यूमिडिटी वाटर मोर, इसका कॉन्ट्रास्ट उल्टा, ट्रांसपिरेशन लेस, ये कॉन्ट्रास्ट है और ह्यूमिडिटी इज टोटली दोनों अपोजिट, पर बाकी जो बढ़ते हैं वो बढ़ रहा है अब तक हमने देखा. क्लियर, समझ में आया आपको, ये बना लिया सबने चार्ट, वेरी वेरी गुड. नेक्स्ट समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट, एयर किसे होल्ड करेगी, अगर ट्रांसपिरेशन का वाटर वेपर जाने के लिए क्लाइमेट में बहुत वाटर मॉलिक्यूल्स है ऑलरेडी, जो भी ह्यूमिडिटी का रीजन है सराउंडिंग जो क्लाइमेट है, तो एयर नहीं होगा तो ट्रांसपिरेशन लीव्स कैसे करेंगे, नहीं होता, एयर वाटर वेपर जाएंगे नहीं, ऑटोमेटिक स्टोमेटा फिर से क्लोज होने लगते राइट. ओके वेरी गुड. फिफ्थ फैक्टर क्या है, फिफ्थ इज कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एग्जाम में पूछा जाता है. सो इंक्रीज इन द CO2 लेवल आउटसाइड इन द एयर ओवर नॉर्मल 0.03% से ज्यादा हुआ तो स्टोमेटा का क्लोजर होता है, डिक्रीज इन ट्रांसपिरेशन, अगेन बॉक्स,
कॉन्ट्रास्ट वाली चीज है. सो मोर CO2 आउटसाइड, राइट, मोर CO2 आउटसाइड, मोर CO2 आउटसाइड इन द एयर अबोव नॉर्मल, अबोव नॉर्मल मोर देन 0.3% लिखा है मैंने. तो क्या होगा, अब CO2 ज्यादा है तो भाई CO2 अगर सैचुरेशन हो गया, इंक्रीज इन द CO2 लेवल इन द आउटसाइड एयर, तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोजर होगा. ज्यादा CO2 थोड़ी ना चाहिए हमें, हमें फोटोसिंथेसिस के लिए जितना नीडेड है उतना ही. तो स्टोमेटा क्लोजेस, इसको मैं स्टोमेटा केस में नहीं लिखना है, इसको लिखना है ट्रांसपिरेशन. सो ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस, डिक्रीजेस यानी क्या लिखा है मैंने यहां पे एरो, ये वाला अप वाला डाउन वाला रेड पेन से एरो बना लो, ऐसे एरो रिवीजन को हेल्प करता है ये एग्जाम के दिन. सो स्टोमेटा क्लोजेस, हमें ज्यादा CO2 नहीं चाहिए, जितना नीडेड है उतना, सैचुरेशन में कैसे हम आगे और करेंगे. क्लियर, वेरी वेरी गुड. सो ये कॉन्ट्रास्ट वाला हो गया, बॉक्सेस बना लेना है जो उल्टा है, और जो सीधा है वो आपको डायरेक्टली समझ जाएगा, इंटेंसिटी ज्यादा है टेम्परेचर ज्यादा है तो हो जाएगा इनडायरेक्टली. क्लियर. सिक्स्थ फैक्टर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बताओ मुझे, ये तो कोई बता दो यार क्या है. सिंपल है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, थस इट एनहांसेस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर. अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो ही रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा ना, राइट. सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बॉक्स में क्या लिख लेता हूं मैं, इट इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी अगर प्रेशर ज्यादा है तो फिर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ऑटोमेटिक कम होगा, क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर होने के लिए एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम होना चाहिए. समझ में आ रहा है, तो ही डिफ्यूजन इजीली होगा. प्रेशर है तो वो दबाएगा, अरे वाटर वेपर मत आओ, लिप्स के अंदर रहो. समझ में आ रहा है आपको. सो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस यानी क्या, लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेस लिखा है मैंने बच्चों, लेस देखो डाउन वाला एरो. ट्रांसपिरेशन कैसा होगा, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस यानी कम प्रेशर चाहिए एटमॉस्फेयर में. देखो अप वाला एरो, ओके. लेस, अगर आपको एग्जाम में पूछा मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आप क्या बोलोगे, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस. अब ये समझ लो अपने वे में, कॉन्ट्रास्ट है बाकी के. पहले तीन जो है वो इन सिंक की है, इंटेंसिटी सन टेम्परेचर वेलोसिटी, लास्ट वाले तीन जो है वो कॉन्ट्रास्ट चलते हैं, ह्यूमिडिटी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एक्सीलेंट, एक्सटर्नल फैक्टर खत्म हो गए. अब हम देखेंगे एक ही तो सिंगल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, अफेक्टिंग वॉट ट्रांसपिरेशन, कौन सा है कौन बताएगा मुझे, और इतना ईजी है ये बच्चा भी बता देगा. सो दैट इज वॉटर कंटेंट ऑफ द लीव्स. अब इसका क्या रिलीवेंस है, ये देखिए. सो वॉटर कंटेंट अगर लेस है बच्चों, लेस वॉटर कंटेंट इन लीव्स, तो ट्रांसपिरेशन हो सकता है. कह रहे भाई हमें ऑलरेडी कम है वॉटर, बाहर काय को फेंके हम वॉटर वेपर में, लेस वॉटर कंटेंट ऑफ लीव्स क्या होगा. लेस है तो लेस ट्रांसपिरेशन, ज्यादा है तो फिर बाकी फैक्टर्स के अराउंडिंगली ज्यादा होगा. क्लियर, बॉक्स बना लो. यानी क्या, देखो इट्स अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म बच्चों. इफ द वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स डिक्रीजेस ड्यू टू इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन, जो भी कॉज है, रूट से कम एब्जॉर्ब किया या जो भी है, तो लीव्स विल विल्ट एंड ट्रांसपिरेशन रेट सूख जाएंगे ना, कैसे होगा. रिडक्शन इज ट्रांसपिरेशन इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इमीडिएटली. लेस वॉटर कंटेंट, लेस ट्रांसपिरेशन, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा लिख लो बॉक्स में, क्लोजर ऑफ स्टोमेटा. लेस की बात कर रहा हूं मैं, यहां पे एरो बना लो, लेस वाटर कंटेंट, लेस ट्रांसपिरेशन, नीचे वाला बोथ एरो, राइट. एंड इट इज अ नेचुरल मैकेनिज्म ऑफ कंजर्विंग वाटर. तो बॉडी, हम प्लांट को बाकी प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, खुद के फ्रेशनेस, स्टर्जिडिटी ऑफ सेल्स को मेंटेन करने के लिए हमें वाटर को बाहर नहीं फेंकना है. क्लियर, कितने आसान फैक्टर्स है मैंने बोला था. अब लास्ट पार्ट जो है वो तो इतना आसान है, दैट इज एडाप्टेशन इन प्लांट्स, एडाप्टेशन इन प्लांट्स टू रिड्यूस. क्या रिड्यूस करना है, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन. भाई अभी हमें ज्यादा भी नहीं जरूरी है, कुछ कुछ प्लांट्स इतना अडॉप्ट कर लेते हैं कि हमें ज्यादा नहीं करना है ट्रांसपिरेशन. अब डिफरेंट अडॉप्टेशन है, तो क्या क्या है, देखो मैं एरोज बनाता हूं, इतना आसान है वो आप बोलोगे एक एक. फर्स्ट इज श्रंकन स्टोमेटा, श्रंकन स्टोमेटा. कुछ लीव्स में स्टोमेटा इतने श्रंकन हो जाते हैं और हेज से कवर हो जाते हैं, या फिर जैसे नेरियम है
तो उससे कम ट्रांसपिरेशन होगा, उसकी जरूरत है भाई, उसको नहीं करना है ज्यादा वाटर लॉस. सेकंड इज फ्यूअर स्टोमेटा, किसी किसी लीव्स में इवन लोअर सरफेस भी फ्यूअर होते हैं, बहुत कम होते हैं स्टोमेटा नेचुरली, कोई भी सरफेस हो. नैरो लीव्स, नैरो लीव्स, डोंट वरी मैं और एक्सप्लेन करूंगा. फोर्थ इज रेड्यूस्ड एक्सपोज सरफेस, रेड्यूस्ड एक्सपोज सरफेस लिख लो. फिफ्थ है वॉट, लॉस ऑफ लीव्स. अब लॉस ऑफ लीव्स यानी उसकी जगह क्या आ जाएंगे, थॉर्न्स आ जाएंगे, स्पाइन्स, इनटू स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, कैक्टस, जो हमारे बीनू का क्वेश्चन है. एंड उसके बाद सिक्स्थ है थिक क्यूटिकल. ये होते ही हमारा सेशन खत्म. इजी इजी है, फटाफट बता देता हूं. देखो फर्स्ट इज श्रंकन स्टोमेटा, बच्चों श्रंकन स्टोमेटा यानी क्या, जैसे नेरियम है, इसका एग्जाम्पल पूछते एग्जाम में, लिखो एग्जाम्पल इज ओलियंडा, ओलियंडा नेरियम ब्रैकेट में लिख लो, उसका स्पेशीज है सेम नेम. ओके, उन लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा देखो अंदर है, यहाँ पे देखो येलो से बताओ मैं कितने डेप्थ में है, वो श्रंक हो गई है एकदम अंदर, क्योंकि भाई उनको वाटर लॉस नहीं करना चाहता, राइट. और sometimes it covers with hairs. देखो ये माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ बच्चों में, क्योंकि ये दिखता नहीं है ना लीव्स में. दीज आर हेयर्स, दीज आर हेयर्स, दीज आर नैरो स्टोमेटा ऑफ क्या बोलते हैं इसे, नैरो स्टोमेटा और नैरो, सॉरी नैरो नहीं, श्रंकन, नैरो है, नैरो भी बोल सकते हैं, बट बेटर वर्ड इज श्रंकन, श्रंकन स्टोमेटा. स्टोमेटा की बात करो मैं ओपनिंग की ऑफ नेरियम, क्यों, क्योंकि हमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, मेनी प्लांट स्पेशली दोज ग्रो इन ड्राई क्लाइमेट के प्लांट्स है ये ओलियन नेरियम. अब ये क्यों कर रहे हैं ऐसे, दे वराइटी ऑफ परमानेंट एडाप्टेशन, उन्होंने एडाप्ट कर लिया है उन्होंने इसको अपने आप, क्यों, टू कर्टल ट्रांसपिरेशन, यानी रेड्यूस. कर्टल का मीनिंग क्या है, टू रेड्यूस, रेड्यूस और इम्पोज द रेस्ट्रिक्शन. हमें ज्यादा नहीं वाटर लॉस करना है भाई, हम ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं, हमें पानी चाहिए हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, तो नेरियम ऐसे करेगा, ओलियंड और नेरियम. एग्जाम्पल में पूछा शॉर्ट नोट या आप तो अच्छे से लिखना है, श्रंकन किस में होते हैं, ओलियंडर नेरियम, ये माइक्रोस्कोप में दिखाया मैंने, श्रंकन स्टोमेटा कवर्ड बाय हेयर, श्रंक हो गई है एकदम, देखो और हेयर्स भी दिख रहे हैं रेड, इसमें मैंने ड्रॉ किए हेयर्स एंड श्रंकन स्टोमेटा, क्लियर. नेक्स्ट, अब सेकंड है फ्यूअर स्टोमेटा, कुछ लीव्स में नंबर ऑफ स्टोमेटा आर रिड्यूस्ड, नंबर ऑफ स्टोमेटा आर रिड्यूस्ड, कम ही होते हैं नंबर, इसलिए उसमें कम होगा भाई, उनको भी ड्राई क्लाइमेट में रहते तो ज्यादा लोअर सरफेस पे भी नहीं होते, बहुत कम होते. नैरो लीव्स जैसे कि नेरियम एग्जांपल, अगेन नेरियम नैरो लीव्स, देखो नेरियम एन एन, नैरो लीव्स इन नेरियम, तो लीव्स में बिकम नैरो टू रिड्यूस सरफेस एरिया, लीव्स बिकम नैरोर, देखो ये ट्रिक याद रहेगी ना, नेरियम नैरो एन एन, नैरो टू रिड्यूस सरफेस एरिया, क्योंकि रेड्यूस जितना करेंगे हम सरफेस एरिया, उतने कम स्टोमेटा एक्सपोज होंगे और उतना कम ट्रांसपिरेशन होगा, राइट. ये देखो नेरियम के कैसे होते हैं एग्जांपल, नैरो लीव्स एन एन, नेरियम नैरो लीव्स, देखो कैसी नैरो है ना, इतनी नैरो है, ऐसी जनरली इतनी ऐसी होती है ना लीव्स जो होती है, देखो ब्रॉड होती है, ऐसी ब्रॉड नहीं होती वो, नो नॉट लाइक दिस, नॉट ब्रॉड, इट्स नैरो, क्लियर, समझ में आ रहा है आपको, नैरो नैरो ऐसी ऐसी दिख रहा है आपको, देखो ऐसे 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 नैरो होती है, क्लियर. सो नेरियम नैरो लीव्स, ये भी एक एडाप्टेशन है. नेक्स्ट है रिड्यूस्ड एक्सपोज सरफेसेस, इन सम केसेस लीव्स में गेट वेवी रोल्ड और फोल्डेड, वेवी रोल्ड और फोल्डेड, ऐसे फोल्ड हो जाती है टू रिड्यूस द एक्सपोज सरफेस इन सम लीव्स, इन सम लीव्स क्या हुआ है, वेवी और वॉट रोल्ड और फोल्डेड, उनका शेप ही वैसा होता है, उसके एग्जाम्पल नहीं दिए तो नहीं पूछेंगे, मैं भी नहीं बताऊंगा, नॉट नीडेड, रेड्यूस्ड एक्सपोर्ट एरिया. अब लॉस ऑफ लीव्स, बीनू का क्वेश्चन, उसने बोला इन सम केसेस लीव्स में भी ड्रॉप्ड और मे बी अब्सेंट एंड चेंज्ड इनटू स्पाइंस, देखो क्या लिख रहा हूं मैं आपके, लीव्स चेंज इनटू स्पाइंस, उसको लगा कि यही शुरू में हमने सेशन में देखा ये स्पाइंस क्यों है, क्योंकि भाई हमें फिर से वाटर एब्जॉर्प्शन को नहीं करना है, सो हमने इसे किया. This happens in what? Spines in cactus. Spines in cactus बोलते हैं इसे, cactus. Very spiny spiny, आपने कभी देखा होगा, ये कभी सोचा है आपने, बीनू को जैसे क्वेश्चन आया क्यों हुआ, leaves converted to spines, leaves into spines, leaves नहीं होती है नॉर्मल जैसी, to again
रेडिस ड्राई क्लाइमेट में ज्यादातर होते हैं, डेजर्ट्स में ऐसे कैक्टस क्यों होते हैं, हमने कभी सोचा है? इट्स अ ब्यूटी ऑफ नेचर टू कंजर्व वाटर, क्योंकि स्टोमेटा होंगे अगर लीव्स होंगे तो ज्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, तो हमें रिड्यूस करना है ट्रांसपीरेशन। अब ज्यादातर डेजर्ट और ड्राई क्लाइमेट में ही दिखते हैं ये कैक्टस, स्पाइन्स स्पाइन्स, क्लियर समझ में आ रहा है? ये देखो स्पाइन्स, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, अब देखो आपको मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू स्पाइन्स इन कैक्टस समझना जरूरी है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू स्पाइन्स इन कैक्टस, हो गया बच्चों लास्ट के 2-3 मिनट्स है, काफी आसान है यार, प्लीज फोकस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मैंने ये कैक्टस ड्रॉ किया राइट, तो उसमें क्या हुआ, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, और इसमें क्या हुआ, ये थॉर्न्स आए हैं, थॉर्न्स, इसे क्या बोलते हैं, स्पाइन्स बोलते हैं। लीव्स ऐसी होती है ये कैक्टस की, राइट? आपको दिख रहा है ये, इज दैट क्लियर? अब ग्रीन स्टेम कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, ये ग्रीन स्टेम क्या करता है, ग्रीन स्टेम कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस करेगा ऑब्वियसली। लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन्स टू रिड्यूस सरफेस एरिया, लीव्स रिड्यूस टू लीव्स ही है वो, स्पाइन्स यानी लीव्स है, लीव्स रिड्यूस टू स्पाइन्स, थॉर्न्स की तरह होती है राइट। स्वोलन स्टेम स्टोर्स वाटर, ये देखो स्वोलन स्टेम होता है इनमें, ये वाटर को स्टोर करता है, बाद में आप देखना काफी आसान है। स्टोमेटा आर संकन इन द ग्रूव्स टू अवॉइड ड्राइंग टू विंड, देन डीप रूट्स पेनिट्रेट वेरी लो वाटर टेबल राइट। तो इतने डीप रूट्स होते हैं देखो ये वाले, वाटर टेबल के नीचे तक ये रूट्स जाते हैं, दिख रहा है आपको? एंड स्वोलन रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम लाइटेस्ट रेनफॉल, कुछ स्वोलन जो ऊपर होते हैं ना वो लाइटेस्ट रेनफॉल से एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि हमें वाटर ज्यादा चाहिए, मोर वाटर नीडेड इन दिस, ये डेजर्ट्स वाले स्पाइन कैक्टस जैसे जिसमें होते हैं, एंड लेस लॉस करना है हमें, तो इसके लिए ये सब मॉडिफिकेशन हुए। और बीनू का फाइनली, बीनू इज स्माइलिंग क्योंकि उसको समझ गया है कि भाई इट्स एडाप्टेशन ऑफ प्लांट्स टू रिड्यूस एक्सेसिव, हमें कम ट्रांसपीरेशन करना है, ज्यादा एक्सेसिव नहीं करना है, रिड्यूस 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 कम करना है, क्लियर। लास्ट इज थिक क्यूटिकल, अब लीव्स में भी कवर्ड विद थिक क्यूटिकल, कौन से ट्री है, एग्जाम्पल पूछा तो क्या बोलोगे, बनियन ट्री, बनियन ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जिसमें, एंड मोस्ट एवरग्रीन ट्रीज होते हैं बाकी के भी जो होते हैं, देखो थिक क्यूटिकल होता है, थिक यानी क्यूटिकल क्या है, वैक्सी लेयर, थिक वैक्सी लेयर, तो ये क्या करेगा, ये कम करेगा, मैंने बोला ना क्यूटिकल से क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन होता है, हमें क्यूटिकुलर नहीं करना है, तो एकदम थिक 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 ऐसे थिक क्यूटिकल का लेयर होगा यहाँ पे, ये किसमें होता है, बनियन ट्रीज में, भूलना नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं थिक क्यूटिकल किसमें होता है, या फिर नेरियम में नैरो लीव्स भी होते हैं और नेरियम में श्रंकन स्टोमेटा होता है जिसमें हेयर्स के थ्रू क्लोज कर देता है। दीज आर ऑल ब्यूटीफुल मॉडिफिकेशंस, बीनू इज सो सो हैप्पी। ओके बच्चों, वेरी वेरी गुड, चलो अब हम एंड करते हैं। सो आपका बीनू आ गया है, उसका न्यू हेयर कट फिर से, हिज काइंड क्लेवर ब्रेव मिस्चिवस और थोड़ा सा स्टबन है, कुछ कुछ बच्चे हैं ना आप में, हाँ बताओगे नहीं आप, सो इज वेरी काइंड वेरी क्लेवर वेरी मिस्चिवस वेरी 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 ब्रेव, क्योंकि उसने बहुत रिबर्थ लेके हमको सब कुछ हेल्प किया है, वो तो जंगल बुक में रहता है। सो ये हमारा बीनू है और उसकी स्माइल देखो, एडाप्टेशन ऑफ कैक्टस समझ गया, तो ही इज हैप्पी नाउ, ही इज स्माइलिंग। ओके, आप भी स्माइल करो, ब्रेव क्लेवर काइंड बनो और लाइफ में शाइन करो। ओके, सो वी आर डन विथ टुडे सेशन, और बीनू इतना हैप्पी है क्योंकि अब नेक्स्ट सेशन लास्ट है, एंड वाला, एंड में मजा तो आता है ना, सो ही इज वेरी वेरी एक्साइटेड कि आगे क्या होने वाला है, आगे के पार्ट में एंड करेंगे हम ट्रांसपीरेशन टॉपिक, फोर्थ सेशन इज लास्ट, जो कि उसके बाद हम फिर फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट लास्ट सेशन। सो बच्चों, बायो चैंपियंस, माय बायो चैंपियंस ऑफ एसएसआर एकेडमी, कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग ऑलवेज, आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, और स्माइल करते हुए रिवीजन करना अच्छे से। ओके, और कैसा लगा बताना सेशन, चलो बाय बाय।